चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी दोस्तों ने जवाना हुआ था बातें चाहेंगे। मैं पहले आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। आप लोगों को मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दूँ ताकि आपको मेरे बेसिक बैकग्राउंड का पता हो, फिर आप लोगों को भी बेहतर आइडिया होगा कि मैं आपको किस एंगल से पढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में कुछ सालों से काम कर रहा हूँ और मैं अभी भी इस फील्ड का स्टूडेंट हूँ। मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया है, जिनमें वाइल्डमार मार्केटिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि नेदरलैंड बेस्ड है, उसके अलावा वाइडेंट और एक और कंपनी है GTNY। इन तीनों कंपनियों में मैंने अपने पिछले 3-4 साल लगाए हैं और उसके अंदर कुछ स्किल्स हासिल की है मैंने। और इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जो मैंने स्किल्स हासिल की हैं इन कुछ सालों में, ये मैं आप तक ट्रांसफर कर सकूँ। इस कोर्स के अंदर मैं इंशाल्लाह ताला ना आपको बेसिक ए ऑफ अमेज़न टू ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मैनेजमेंट सब कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। और इनके एंड के अंदर आप खुद से जो भी आप करना चाहेंगे वो कर पाएंगे, चाहे वो आपने अपना बिजनेस चलाना है, चाहे आपने किसी और के बिजनेस की प्रमोशन करनी है, चाहे आपने किसी के काम में उसकी हेल्प करनी है एज अ फ्रीलांसर, या फिर आपने सिर्फ सिर्फ एजुकेशन के लिए हासिल कर रहे हैं ये। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आपका जो भी गोल है वो पूरा हो जाएगा। मैं एक आप लोगों से हेल्प भी चाहूँगा कि आप ना जी जी हर जो क्वेश्चन आपको समझ ना आए या जो आपको बात खटके, आप गूगल चाचू से जरूर पूछें। मैं कई ऐसे बातें कहूँगा जो अनक्लियर होंगी एट द मोमेंट, मगर जब वो गूगल से पूछेंगे उसके ऊपर सर्च करेंगे तो आपके सवाल हल हो जाएंगे और मुझे भी खुशी होगी कि आपने इसके ऊपर काम किया है। इसलिए जो भी आपको काम मुश्किल लगे या किसी चीज़ में मसला है तो जरूर से मेरे से भी पूछें और गूगल से जरूर पूछिएगा, और उसका जो आपको रिसर्च के बाद जो आंसर मिलेगा वो मेरे से जरूर शेयर कीजिएगा। ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा। अब आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं हम। इससे पहले कि मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊं, पहले मैं ये बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए। जैसे कि आप जानते हैं मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, हर चीज़ जो है अब ऑटोमेटेड हो रही है। अब आपके सोशल जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाते हैं उसमें जो आप हैशटैग यूज़ करते हैं, वहाँ से लेके आप जो भी कीवर्ड यूज़ करके अपने स्टेटस लगाते हैं, हर चीज़ एक मशीन रीड कर रही है, समझ रही है, कॉन्टेक्स्ट देख रही है उसका। कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट दोनों चीज़ों को देखते हुए उसे फिर रैंक किया जा रहा है। अब आप जो कीवर्ड यूज़ करते हैं मशीन उन्हीं के जरिए पढ़ती है। अब उसे देखते हैं हम वो कैसे पढ़ती है। मशीन लर्निंग की अगर आप बाय डेफिनेशन ट्रांसलेशन करें ना, तो ये एक स्टडी है कंप्यूटर एल्गोरिदम्स की, जिसकी वजह से वो अपने आप को बेहतर बनाते हैं फॉर ह्यूमन एक्सपीरियंस। मिसाल के तौर पे आप पहले एक चीज़ सर्च करते हैं कि विंडोज 7 कंप्यूटर, फिर आप दोबारा वही सर्च करते हैं, तीसरी दफ़ा फिर वही सर्च करते हैं। गूगल आपकी सर्च पे जिस जगह पे आपने जाके उसे क्लिक किया है उससे देखेगा कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, फिर आपको नेक्स्ट टाइम वो पहले वो चीज़ दिखा देगा। अगर आप ए पॉइंट पे जाना चाह रहे हैं और आपने सर्च किया बी पॉइंट की, मगर आप बार बार ए पॉइंट पे जाके क्लिक कर रहे हैं, तो गूगल समझ जाएगा कि उसका बी पॉइंट जाने का मकसद ए है, फिर वो आपको अपने आप उस एक पॉइंट पहले नंबर पे ले आएगा। इस तरह कंप्यूटर हमें लर्न करते हुए, हमें स्टडी करते हुए अपने आप को बेहतर कर रहा है। वो बेहतर करने के लिए जो मेन चीज़ वो यूज़ करता है वो कीवर्ड यूज़ करता है। कीवर्ड एक टॉपिक जो होता है ना डॉक्यूमेंट का, उसकी एसेंस होती है जिसमें तमाम डॉक्यूमेंट की रूह होती है। आप ऐसा कीवर्ड जब यूज़ करते हैं जिससे कि तमाम डॉक्यूमेंट की एसेंस उसके अंदर आ जाए, तो कंप्यूटर को उसे स्टडी करने में हेल्प होती है, और जब कंप्यूटर को वो आपके डॉक्यूमेंट स्टडी करने में हेल्प होती है तो वो आपको रैंक इजीली कर देता है। इस कोर्स के अंदर आगे हमने इस इंट्रोडक्शन में आपको डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा सा कहूँगा, इसके एवोल्यूशन कहाँ से आया है, इसका फ्यूचर क्या है, और फिर सर्च इंजन मार्केटिंग, ये इसके बेसिक 4 होंगे हमारे लेक्चर्स, जिसके अंदर मैं कोशिश करूँगा आपको मैक्सिमम बता सकूँ। डिजिटल मार्केटिंग से मुराद वो तमाम मार्केटिंग आ जाती हैं जो आप ऑनलाइन करते हैं फॉर एनी ब्रांड और एनी पर्पस। अब आपने अगर अपनी मार्केटिंग भी करनी है ना, अगर आपने अपने आप को ब्रांड बनाना है वो भी आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करोगे। अगर आपने अपने आप को फेसबुक पे फेमस करना है, इंस्टाग्राम पे फेमस करना है, टिकटॉक पे फेमस करना है, जैसा कि आजकल कह रहे हैं लोग, इन सब चीज़ों में डिजिटल मार्केटिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट आती है। अब आपने उसे यूज़ कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप उससे अपना बिजनेस रन कर सकते हैं,
आप उसे अपनी प्रोफाइल पे लाइक्स ज्यादा ला सकते हैं, आप उसकी मदद से कुछ चीज बेच सकते हैं। ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करेंगी कि आप ये स्किल सेट को कहाँ और किस तरह यूज करें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने कस्टमर को जान लें, अपनी ऑडियंस को पहचान लें कि उसका एजुकेशन लेवल क्या है, वो चाहती क्या है, और वो कहाँ से आपको लाइक कर रही है या किस वजह से लाइक कर रही है। जब अपनी ऑडियंस और क्लाइंट को जान लेंगे ना, तो आपको चीज़ बेचने में मदद होगी। अगर आपको पता है आपकी ऑडियंस जो है वो प्रोडक्ट ए को लाइक करती है, मगर आपने प्रोडक्ट बी को सेल करना है, तो आप उसे बाय एक्सटेंशन सेल करेंगे, डायरेक्टली सेल नहीं करेंगे। इसी चीज़ को लेते हुए डिजिटल मार्केटिंग जो है वो मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज ऑन द इंटरनेट। अब इसमें फिर मोबाइल फ़ोन भी आ गए, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग भी आ गई और दूसरे डिजिटल मीडियम्स भी आ गए हैं अब, जैसे SMS वगैरह। एवोल्यूशन, आज से अगर हम 20 साल 30 साल पीछे चले जाएं, तो एडवर्टाइजमेंट का सिर्फ एक ही तरीका होता था, वो था रेडियो। फिर वक्त के साथ साथ चेंजेस आते गए, TV भी आ गया और डिस्प्ले एड्स भी आ गए और दूसरे तरीके भी आ गए। फिर 1990 में जब वेब की इजाद हुई और वेब आम हुआ, तो फिर ये वेब एडवर्टाइजमेंट्स का सीन स्टार्ट हुआ था, जिसमें वेबसाइट सर्च ऑनलाइन डिस्प्ले के जरिए काम शुरू किया गया था। फिर इन 1999 जब ये Y2K वायरस ने हिट किया था, तब पेड सर्च, माइक्रोसाइट, वेबिनार्स ने अरूज पे थे। इन्होंने अपने तरफ से अपनी जो मार्केटिंग का थी उसकी पूरी पूरी ब्रांड हिला दी थी, क्योंकि पहली दफ़ा ये हो सकता था कि आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर पाए थे। इससे पहले क्या होता था, अगर आप वाइड रेंज में अपनी एडवर्टाइजमेंट को बस फेंक देते थे, आपने TV पे ऐड चलाई है, सबको चली गई, चाहे वो आपकी ऑडियंस से रिलेटेड है कि नहीं है, आपने रेडियो पे ऐड चलाई है, सबको ऐड चली गई है, चाहे वो आपकी ऑडियंस में आते हैं कि नहीं आते हैं। मगर जब इंटरनेट 1999 में उसने पेड सर्च और माइक्रोसाइट्स का काम लिया, तो उसने माइक्रो नीशेस क्रिएट कर ली। नीशेस इस तरह क्रिएट कर ली कि उसने एक, अगर आप फिटनेस से आपको रिलेटेड है, फिटनेस की ब्लॉग ही पढ़ेंगे, तो आप फिटनेस की जगह पे ऐड करेंगे तो वहाँ पे सेल आपकी ज़्यादा होगी। सेम थिंग गोज कि आपकी जो भी नीश है, आप उस नीश के अंदर जब आप उसकी सेल करेंगे या उसकी प्रमोशन करेंगे, तो उसके सेल के चांसेस बढ़ जाएंगे। इन 2000s ब्लॉग्स अरूज पे थे, और फिर लोगों ने माइक्रो ब्लॉग्स शुरू कर लिए, जैसे ब्लूमबर्ग हो गया और ब्लॉगर हो गया, इस तरह के कई माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स आ गए जिसमें लोगों ने अपने ब्लॉग स्टार्ट कर लिए थे। सेम थिंग गोज कि उन्होंने अपनी नीशेस क्रिएट की और अभी वो अपनी नीशेस के ऊपर कामयाब हो गए। 2008 में जब फेसबुक और इंस्टाग्राम अरूज में आई थी, फिर इन्होंने एक नई एडवर्टाइजमेंट को जन्म दिया था, वो थी मोबाइल एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट। इन दोनों के मिलाप से आजकल के ज़माने में आपके फ़ोन में जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं ना, तो आपको उससे पहले कि आप उधर सर्च करें, आपके मोबाइल पे आपको आ जाता है कि भैया ये वाली चीज़ आप खरीदना चाह रहे हैं, हमसे ले लें। अगर मिसाल के तौर पर आपने अपने लिए कंप्यूटर लेना है, चाहे आपने अपने घर के लिए हीटर लेना है, अगर आपने एक दफ़ा गूगल पे सर्च कर दिया, तो बाय द एंड ऑफ द डे जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आएंगे, तो आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट दिख रही होगी, क्योंकि उन्होंने आपको बाय पर्सन टारगेट किया हुआ है। सर मीडिया की तरफ चलते हैं, हमारे पास मीडिया किस किस्म के हैं? मोहसिन भाई जी, जी हुक्म। मोहसिन भाई, अगर मतलब जिस तरह गूगल से आप कह रहे हैं अभी के सर्च करते हैं, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे खुद ब खुद आ जाता है, तो ये मतलब डिजिटल मार्केटिंग के जो लोग होते हैं वो वहां से एक्सेस करते हैं गूगल से? जी बिल्कुल, होता ही है कि जब भी आप कोई चीज सर्च करते हैं ना, तो गूगल उसका डेटा बनाता है। आपकी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपने गूगल पे सर्च किया उसके पास उसका डेटा ना, उसे उन्हें पता है आपका नाम क्या है, उन्हें पता है आपके एज क्या है, उन्हें पता है आपने स्टडी कितनी की है। आप समझे गूगल बाबा जी सब जानते हैं, और जब भी आप कोई चीज सर्च करते हैं ना, तो गूगल के पास वो मौजूद होती है कि भाई इसने ये चीज सर्च किया, वो फिर अपनी वो अपने तमाम एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट्स को दे देता है कि भाई जान ये बंदे ने ये चीज सर्च की, ये चीज खरीदना चाह रहा है, अब आपके पास मौके से मशहूरी कर लो। फिर वो आपको बाय पर्सन रीच आउट करते हैं, आपको कहते हैं भाई जान ये हमारी चीज़ है, ले लो ले लो ले लो, और आपको बार बार एडवर्टाइजमेंट आपके मुंह पे रखेंगे, भाई ये देखो ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक है, और इस तरह वो अपनी चीज़ सेल करते हैं। ये एक है कैंपेन मेथड ग्रोपा, उसके अंडर आता है। अभी हम इंशाल्लाह इसे भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये हमें स्लाइड मिलेगी ना एंड पे? जी जी बिल्कुल, कोई मसला ही नहीं है। बस ठीक है, मैं असल में साथ साथ लिख रहा था तो चले, कोई मसला नहीं। थैंक यू, कोई मसला नहीं, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मीडिया,
अब ये आप स्लाइड को देखें, इनमें से आपने किन किन मीडिया के ऊपर मशहूरी देखी है, क्या आपने टीवी के ऊपर मशहूरी देखी है, क्या आपने न्यूज़पेपर पे मशहूरी देखी है, अपने आपसे सवाल पूछें। इनमें से कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपने मशहूरी ना देखी हो? इनमें से सबसे ज्यादा रीच और कन्वर्जन किस मशहूरी की है? एक मिनट अब सोचें इस बारे में, क्या टीवी की चीज की ज्यादा कन्वर्जन है या फेसबुक एडवर्टाइजमेंट की ज्यादा कन्वर्जन है, क्या न्यूज़पेपर की ज्यादा कन्वर्जन है या गूगल पे जो एड आती है उसकी ज्यादा कन्वर्जन है, क्या सिनेमा में जब आप मूवी देख रहे हो तो मूवी के अंदर छोटा सा क्लिप आता है जिसमें वो अपनी ब्रांड की मशहूरी कर देते हैं, चाहे वो पेप्सी है या कोक है, क्या वो ज्यादा कन्वर्ट करती है, या फिर आप जब वेबसाइट पे जाके उसकी मशहूरी देखते हैं तो वो ज्यादा कन्वर्ट करती है? ये सारी चीजें जो है एक टोपोलॉजी क्रिएट करती है, टॉप ऑफ द माइंड टोपोलॉजी से कहा जाता है। वो चाहते हैं कि ब्रांड आपके दिमाग पे हो। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं जब डायलॉग बोलता हूँ ना कि जालमा कोका कोला पिला दे, अब ये आपके दिमाग में टोपोलॉजी अपने आप क्रिएट हुई हुई है कि जब भी ये वर्ड यूज किया जाएगा उसके साथ ये वर्ड ऐड हो जाएगा। कोका कोला ने इतनी ब्रांडिंग की है अपनी, उन्होंने अपनी शोरियों में ब्रांडिंग की है, चाहे टीवी की है, चाहे प्रिंट की है, चाहे रेडियो की है, चाहे वो बाहे बोर्ड्स के ऊपर लगाए हुए हैं, उन्होंने सिनेमा के अंदर बहुत ज्यादा पैसे लगाए हुए हैं, कोक स्टूडियो पे उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं। इन सब चीजों को छोड़ के उसने अपना डिजिटल भी नहीं छोड़ा, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम कोई भी सोशल साइट नहीं छोड़ी, कोई सर्च इंजन नहीं छोड़ा उन्होंने, और वेबसाइट्स के ऊपर अलग ब्रांडिंग कर रहा है। अब उससे उसने क्या क्रिएट किया हुआ है, उसने टॉप ऑफ द माइंड टोपोलॉजी क्रिएट कर ली है। अब जब भी आपने कोई ड्रिंक पीनी है और आपने सेलिब्रेट करना है तो आपके दिमाग में पहली चीज आती है कोका कोला। सेम थिंग गोज, जब आपने कोई चीज बेचनी है, पुरानी चीज बेचनी है, तो आपके दिमाग में पहली ब्रांड आएगा OLX। अगर आपने कोई चीज ढूंढनी है तो आपके यहाँ पे कोई चीज सर्च करनी है तो आपके दिमाग में पहला ब्रांड आएगा गूगल, ना ही कि बिंग या फिर याहू। हालांकि ये भी सर्च इंजन है, अच्छे सर्च इंजन है, मगर गूगल के मुकाबले में इन्हें आप कभी भी याद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना ब्रांड इस तरह का क्रिएट कर लिया कि आपके टॉप ऑफ द हेड हमेशा वही रहता है। जब भी आपको कोई काम है तो आप फोन उसी के पास जाएंगे जिससे आपको पता है कि भैया ये टॉप ऑफ द माइंड है मेरे। अब इस टॉप ऑफ द माइंड क्रिएट करने के लिए आप इन मीडियाज को यूज करते हैं, इन मीडियाज को आप ऑफलाइन हो ऑनलाइन बांटते हैं। मैं आपको सिर्फ ऑनलाइन मीडिया के ऊपर काम करना सिखाऊंगा, ऑफलाइन मीडिया भी इम्पोर्टेंट है, मगर मैं सिर्फ आपको ऑनलाइन मीडिया सिखा सकता हूँ। आगे चलते हैं। ऑनलाइन मीडिया के अंदर प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करते हुए आप अलग अलग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अगर वेबसाइट्स के ऊपर देखा जाए, मोहसिन भाई जी जी हुकम, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ ना। अच्छा, जो आप कह रहे हैं ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन मीडिया यही होता है वो ऑफ पेज और ऑन पेज? जी, वो SEO के अंदर आएगा। ये ऑनलाइन मीडिया के अंदर आगे कैटेगरी है SEO की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, उसके अंदर आगे कैटेगरी है ऑन पेज ऑफ पेज की, इंशाल्लाह उस पे भी बात करेंगे। चलो ठीक, मुझे लगा कि शायद आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ठीक। जी जी, वो भी आएगा, मगर वो सबसेट ऑफ सबसेट है, एज इन के शाख की शाख है अभी आगे। ठीक हो, चलें आगे चलते हैं। अब हमने लोगों को रीच आउट कैसे किया करते हैं लोगों को अपने बोर्डर के लिए? आप ईमेल न्यूज़लेटर भेजते हैं या मार्केट प्लेस में लगाते हैं, जिस तरह के दराज पे आपने अपनी प्रोडक्ट की मशहूरी कर दी, या फिर आपके वेबसाइट पे जिन लोगों ने आपको ईमेल्स दी हैं आपने उन्हें रीच आउट कर दिया। एक ये तरीका होता है अपनी प्रोडक्ट बेचने का। दूसरा तरीका होता है सोशल मीडिया, यूट्यूब या SMS के जरिए अपनी एडवर्टाइजमेंट करना। तीसरा तरीका होता है SEO या SEM, जिस तरह के फैजान भाई पूछे थे कि ऑन पेज ऑफ पेज कहाँ पे आता है, ऑन पेज ऑफ पेज यहाँ पे आता है SEO के अंदर। इसमें होता यूँ है कि आप अपनी वेबसाइट को इतना बेहतर कर देते हैं, गूगल से अपने आप रैंक करके टॉप ऑफ द लाइन ले आता है, ताकि जब भी कोई सर्च करे डिजिटल मार्केटिंग तो उसके ऊपर पहले नंबर पे हमारा नाम आ रहा हो। इससे हमें एक तो बूस्ट मिलेगा और सेल्स भी ज़्यादा जनरेट होंगी। ये आगे आपका SEO के अंदर। आगे आता है SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। इसमें होता यूँ है कि आप गूगल को कहते हैं भैया जो जो बंदा फलां चीज को सर्च करे ना, आपने उसे मेरी वेबसाइट पे भेज देना है या मैं मेरी वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट दिखा देनी है। मिसाल के तौर पे अगर पर्सन ए ने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है और लिखता है डिजिटल मार्केटिंग इन लाहौर, तो मैंने इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई है, तो जब भी कोई बंदा ये लिखेगा उस पहले नंबर पर मेरी मशहूरी आ जाएगी। इससे ये होगा कि वो मेरी मशहूरी पर क्लिक करेगा, मेरे पास सेल हो जाएगी और गूगल को मेरी तरफ से पैसे मिल जाएंगे।
ये आ गया आपका SEM या सर्च इंजन मार्केटिंग। आगे चलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें ये होता है कि आप कमीशन बेस्ड सेल्स लेते हो। मिसाल के तौर पे एक बंदे की कंपनी है, वो अपनी चीजें बेचने नहीं पा रहा, वो आपको हायर करता है क्योंकि आपके काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अक्सर इंस्टाग्राम पे जो फॉलोअर्स हैं यूं ही करते हैं, तो वो आपको कहता है भैया ये मेरा मोबाइल है, इसकी मशहूरी कर दो, और वो आप उसकी मशहूरी करते हो, वो मोबाइल बिकता है। हर दफा जो भी वो मोबाइल बिकेगा तो उसकी एक कमीशन जो है आपको भी मिलेगी और उसकी कम ब्रांड टूट जाएगा। उसी तरह इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी इसी की एक ब्रांड है। उसके अंदर आप इन्फ्लुएंसर्स को हंट करते हो, ऐसे लोग जिनके 1 to 50K तक फॉलोअर्स हैं, आप उन्हें रीच आउट करते हो, उन्हें कहते हो भैया हमारे प्रोडक्ट की मशहूरी करो, और जब वो मशहूरी करते हैं तो रियल वर्ल्ड आपको एग्जाम्पल मिलती है और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की सेल ज्यादा होती है। यहाँ तक कोई मसला में भाई किसी को? नहीं नहीं ठीक है, ग्रेट हो गया। आगे चलते हैं। अब प्लेटफॉर्म पे एड्स डिपेंड करती हैं। अभी हम सर्च इंजन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं कि आप एड्स किस तरह चलाएंगे और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे एड्स चला सकते हैं। गूगल सर्च से शुरू करते हैं। गूगल सर्च पे दो किस्म की एड्स होती हैं, डिस्प्ले एड और सर्च नेटवर्क। जब आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो आपका एक नाम क्रिएट हो जाता है, आपका यूजर क्रिएट हो जाता है, चाहे आप इनकॉग्निटो में सर्च करें चाहे आप अपनी आईडी से सर्च करें। फिर आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट होने लग जाती है। फिर आप जो भी कोई भी सर्च करते हैं, आप जिस जिस वेबसाइट पर जाते हैं, गूगल वो सारी चीज़ें देख रहा होता है। अब उस चीज़ से उसने आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट की होती है कि भाई ये किस तरह का इंसान है, इसे किस तरह की चीज़ें पसंद हैं, कौन सी चीज़ों को ये जल्दी ज़्यादा देर देखता है, कौन सी चीज़ों को कम देर देखता है। ये सारी चीज़ें उसके सर्च नेटवर्क में क्रिएट होती जा रही हैं और इसी तरीके से वो आपके पास सेल भी क्रिएट करेगा। फिर जब आपने कोई चीज़ सर्च करनी है, फिर वो आपको ऊपर तीन जगहों पे दिखाई दे सकती है, एक टॉप ऑफ द लाइन, बॉटम ऑफ द लाइन और राइट साइड पे। राइट साइड वाली एड उन्होंने खत्म कर दी है, अब टॉप ऑफ द लाइन और बॉटम ऑफ द लाइन आती है। आगे चलते हैं यूट्यूब के अंदर। यूट्यूब के अंदर चार किस्म की एड्स होती हैं, प्री रोल, बम्पर, डिस्प्ले एड, ओवरले एड्स। इनकी आगे मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। फेसबुक में तीन किस्म की मेन एड्स होती हैं, डोमेन, मल्टी प्रोडक्ट जिसे कैरोसेल ऐड भी कहते हैं, और उसके अलावा ऑफर। इंस्टाग्राम में फोटो, वीडियो, कैरोसेल स्टोरी। अब ये प्लेटफॉर्म के बेस से मैंने आपको इनकी एग्जांपल दे दी हैं। अब ये कहाँ पे डिस्प्ले होती हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। यूट्यूब में देखते हैं, यूट्यूब के अंदर जब आप कोई मशहूरी देखते हैं तो वहाँ पे जो ये सीधे हाथ की तरफ आ रही होती है ना जगह, ये आपकी डिस्प्ले ऐड होती है। इसे आप ओवर द रीच भी ऐड कहते हैं। ये अक्सर जब आपने अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है ना, आपने अपने ब्रांड को मशहूर करना होता है, फिर आप ये वाली ऐड यूज करते हैं। ओवरले ऐड, ये जब आप वीडियो देख रहे थे तो नीचे आ रही थी, जिसे आप एक्स का बटन दबा के क्लोज कर सकते हैं, ये होगी वो ओवरले ऐड। इसका पर्पस जो होता है, ये भी ब्रांड अवेयरनेस के लिए यूज की जाती है। फिर तीसरे नंबर पर आती है नॉन स्किपेबल ऐड। ये तब यूज की जाती है जब आपने कोई अपना मैसेज अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना है, लाजिम पहुंचाना है, और आप भी चाहते हैं कोई चीज़ मिस हो जाए। ये रिस्की होता है और ये तमाम मुल्कों में अलाउड भी नहीं है। मिसाल के तौर पे अमेरिका, सऊदी अरेबिया, तुर्की और दो और इस तरह की बड़ी कंट्रीज है जहाँ पे ये एड्स अलाउड नहीं है, क्योंकि ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी में आती हैं। आगे चलते हैं, स्किपेबल वीडियो एड्स। ये 15-20 सेकंड की छोटी सी एड्स होती हैं जो कि एक और वीडियो के अंदर आपको दिखाई जाती हैं। इसे आप स्किप कर सकते हैं, सीधे हाथ की तरफ नीचे का ये बटन होगा, और इस एड में ब्रीच ऑफ प्राइवेसी नहीं होता, इसलिए ये ओवरऑल पूरी दुनिया में अलाउड की है। आगे चलते हैं, बम्पर एड्स। ये एड स्किपेबल एड की तरह की किस्म होती है, और ये जब आप इसे आप देख रहे होते हैं, ये अपने आप बम्प होके आ जाती हैं। आगे लास्टली स्पॉन्सर्ड कार्ड्स, ये इन्फ्लुएंसर हंटिंग में आती हैं। आपने एक इन्फ्लुएंसर को हंट किया जो यूट्यूब पे एक अच्छा चैनल चला रहा है, मिसाल के तौर पे वो डक्की भाई है, यहाँ पे कोई भी बंदा है, आपने उसे कहा यार मेरी ये चीज़ बिकाओ, फिर वो क्या करेगा, अपनी यूट्यूब ऐड के अंदर यहाँ पे छोटी सी ऐड लगा के बता देगा भैया अगर आप ये चीज़ खरीदना चाह रहे हो, ये मैं यूज़ करूँ, बहुत मज़े की है, आप खरीदना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो। ये आपने उस बंदे से रीच आउट किया हो, हर सेल के ऊपर कमीशन दे दिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आ गया। यूट्यूब की एड्स की आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है पूछ लें। नहीं सर, आगे चले, ग्रेट हो गया, क्लियर है।
आगे चलते हैं फेसबुक एड्स के अंदर। फेसबुक के अंदर 8 किस्म की एड्स यूज हो रही हैं जो बड़ी हैं। उसके अलावा उन्होंने और भी तरीके निकाले हैं। अब मैं आपको ये बात बता दूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, गूगल, ये सारे आपके ऊपर डेटा क्रिएट कर रहे हैं। वो डेटा इसलिए क्रिएट करें ताकि वो अपनी सेल बढ़ा सकें, क्योंकि उनका असल काम आप लोगों को एंटरटेनमेंट देना नहीं बल्कि एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमाना है। अब उस एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमाने के लिए वो आपका वो जो डेटा क्रिएट कर रहे हैं उसके जरिए फिर आपको रीच आउट करेंगे और वो आपको रीच आउट कैसे। जी जी, लेकिन अब व्हाट्सएप पे तो अब मतलब ऐड आना बंद हो गए हैं काफी अर्से से। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मगर डेटा आपका अभी भी उधर जमा हो रहा है। वो आपको नहीं डेटा देंगे, वो डेटा थर्ड पार्टी को सेल कर देते हैं। जब आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं ना तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आपका डेटा क्रिएट किया जाएगा फॉर बेटर सर्विसेज। मगर वो बेटर सर्विसेज क्या होती है, वो अपनी बेटर सर्विसेज कैसे होते हैं, वो आपका डेटा भी थर्ड पार्टी को सेल कर देते हैं। फलां आदमी है, ये उसका नाम है, ये उसकी एज है, इस तरह के मैसेजेस वो करता है और ये उसकी पसंद है, ये उसे ना पसंद है, फिर वो आपको जो थर्ड पार्टी है वो कहीं और जगह से रीच आउट कर लेगी, चाहे वो वेबसाइट के जरिए रीच आउट करे, चाहे गूगल के जरिए रीच आउट करे। असल में सारी गेम डेटा की है, बिग डेटा की गेम है। आपका डेटा क्रिएट किया जाता है, उस डेटा को सेल किया जाता है, उसके जरिए पैसे कमाए जाते हैं। और डेटा जहाँ से भी क्रिएट हो उन्हें तो बस डेटा से मतलब है। सही हो गया। अभी तो सर वो व्हाट्सएप कहता है कि वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, तो जी जी आपकी जो कॉल्स हैं, वो जो आपके मैसेजेस हैं, वो इंक्रिप्टेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर डेटा आपका फिर भी बन रहा है। आप जब कन्वर्जन करते हैं तो उसके ऊपर डेटा क्रिएट हो जाता है आपका। आपने आपको मैं एक और चीज बताता जाऊँ, वैसे मैंने आगे बतानी थी, एक वर्ड होता है मेटा डेटा। मेटा डेटा की डेफिनेशन जी, डेटा अबाउट डेटा, आप कहाँ पे हैं। आप जब भी कोई फोटो अपलोड करते हैं उसके अंदर भी मेटा डेटा मौजूद होता है, आपकी जियो लोकेशन, किस टाइम खींची गई है, किस कैमरे से खींची गई है, जी जी, हर चीज का मेटा डेटा क्रिएट होता है आपके फोन के अंदर। वो कॉन्फिग फाइल्स में हो, चाहे एमएससी फाइल्स में हो, चाहे सिंक फाइल्स में हो, आपका मेटा डेटा क्रिएट होके वो ट्रांसफर किया जाता है। जैसा कि मैं पहले बता था, सारी गेम डेटा के ऊपर खेली जा रही है। आप ये देखेंगे अगर आपने इतनी बड़ी ब्रांड बनाई है व्हाट्सएप, कोई ऐसा फोन नहीं मुझे निकल में मिलता आजकल जिसमें व्हाट्सएप ना हो। अब आपने उसके पैसे कैसे कमाने हैं, इतना बड़ा आपका सर्वर चला है, आपको आइडिया भी नहीं होगा व्हाट्सएप का सर्वर इतना महंगा है कि बस ना पूछे। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये एक ही फेसबुक इनके अंदर आते हैं और इनके डेटा सर्वर इतने बड़े बड़े हैं, इनका बजट इतने बड़े जितने हमारे पूरे मुल्क की जीडीपी नहीं होगी, और ये मैं अभी भी अंडर एस्टिमेट कर दूँ बात। अब उन्होंने ये जो फ्री सर्विसेज आपको दी हैं उसका पैसे भी तो बनाने हैं ना कहीं से, वो पैसे कैसे बनाएंगे, आपका डेटा बेच के बनाएंगे। अब वो डेटा बेच के आपके ऊपर कन्वर्जन करेंगे और फिर कमाएंगे। आपने भी ये चीज़ यूज़ करनी है, आपने देखना है कि दूसरे दोस्तों का जो डेटा है उसके ऊपर से कन्वर्जन कैसे लानी है। अब मिसाल के तौर पे आपको पता है कि पार्टी ए है जो कि मोबाइल खरीदना चाह रही है, तो आप इस तरह की ऐड बनाएंगे जो कि मोबाइल के ऊपर टारगेट होगी, मोबाइल के कीवर्ड यूज किए होंगे, अच्छी सी फोटोज मोबाइल की लगी होंगी, साथ में आपने एक सेलिब्रिटी फोटो लगाई होगी, थोड़ा पर्सन और फीमेल और समथिंग लाइक दैट, और उससे फिर आपको कन्वर्जन अच्छी मिलेगी क्योंकि आपने बंदे को रीच आउट सही किया है। आपने उस बंदे को पकड़ा जिस बंदे ने मोबाइल खरीदना है। अगर एक आदमी ने मोबाइल खरीदना है और एक आदमी ने मोबाइल नहीं खरीदना है तो आपके ख्याल में कौन सा बंदा आपके मोबाइल खरीदने के ज्यादा चांस है, वही ना जिससे मोबाइल खरीदना है। यहाँ तो कोई मसला है तो पूछ लें। नहीं नहीं ठीक है, चलें फेसबुक एड्स की तरफ आते हैं। फेसबुक एड्स इधर तो 8 है मगर उसमें और भी एड्स आ चुकी हैं, वो अपडेटेड वर्जन में आपको दिखाई दे देंगी, मगर अभी उन पे काम नहीं हुआ, उन पे अभी ब्रांडिंग शुरू नहीं हुई। उसी तरह ट्विटर में भी अभी एक नया फंक्शन आ गया फ्लेट का, शायद आपने नाम सुना होगा। आप इस तरह के दोनों सवाल लिख लें, व्हाट इज फ्लेट एंड हाउ यू कैन यूज इट फॉर प्रमोशन। सॉरी सर क्या वर्ड है दोबारा बताइए। मैं आपको क्वेश्चन लिख के भी भेज दूंगा। फ्लेट वर्ड है FLEET, फ्लेट। ट्विटर ने नया फंक्शन इंक्लूड किया है, इसकी हिस्ट्री आपने पता करनी है और ये बताना कि इसके जरिए से आप प्रमोशन कैसे कर लेंगे। फैजान भाई आपकी समझ में आ गया? जी जी ठीक है, ठीक हो गया। चलें ग्रेट हो गया। फेसबुक एड्स की तरफ चलते हैं। फेसबुक एड में जो पहले नंबर पे आता है वो होता है डोमेन एड। उसमें होता यूँ है कि आप अपनी वेबसाइट की मशहूरी करना चाहते हो, ई कॉमर्स स्टोर आपने बनाया हुआ है या आपकी कोई ब्रांड है, आप चाहते हो कि लोग आपकी वेबसाइट पे आए, तो आप डोमेन एडवर्टाइजमेंट करते हो।
उसमें आप अपनी वेबसाइट की लिंक, उसकी एपीआई सी फोटो अपनी लगा के उसे प्रमोशन कर देते हो। फिर जिन लोगों को भी कपड़े खरीदने में शौक है, यहाँ की कंपनी की कपड़े की ई कॉमर्स वेबसाइट है, कपड़े खरीदना चाह रही हैं, फीमेल वार्डरोब लेना चाह रही हैं या कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट, तो वो जब भी अपनी ब्रांड खोलेगा और नीचे स्क्रॉल कर रहा होगा तो अचानक से ये वाली ऐड दिख जाएगी। मैं उसे हाईलाइट भी साथ करता जाता हूँ ये वाली। अब उसमें होगा यूँ कि वो देखेगा भाई इमेज इंट्रीगिंग है, इंटरेस्टिंग इमेज है, और उसने टैक्स इस तरह लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल 25% सेल एड राइट नाउ। तो इस तरह जब वो आपकी एड देखेगा उसे इंट्रीगिंग लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी, उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आएगा तो आपने एक कन्वर्जन अपनी क्रिएट कर ली है। यहाँ तो कोई मसला है तो पूछ लें। नहीं ठीक है सर, ठीक है। डोमेन एड जो है इसका मेन पर्पस अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना होता है, और दूसरी एड्स जो होती हैं उनके जरिए आप डायरेक्ट फेसबुक से भी सेल कर सकते हैं। फेसबुक पहले से सिर्फ आप अपनी वेबसाइट पे बंदे लेके आने के लिए, ट्रैफिक लाने के लिए, सोर्सेज लाने के लिए यूज करते थे, मगर अब आप फेसबुक से डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं। वो कैसे? वो मल्टी प्रोडक्ट ऐड के जरिए, कैरोसेल ऐड के जरिए करते हैं। आपने ये ऐड अक्सर देखी होगी, इसमें होता यूँ है कि 10-12 फोटोज लगी होती हैं, 10 एक्चुअली टोटल 10 फोटोज की इजाज़त है, अब शायद वो बढ़ा दी गई हो, 10 फोटोज लगी होती हैं फॉर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आपने कभी भी अगर शूज अगर सर्च किए हुए हैं ना नाइकी के फॉर एग्जाम्पल, तो 10 नाइकी के शूज लाइन बाय लाइन लगे होंगे, आप फिर आगे टिक करते जाएंगे वो आगे आगे शूज का कैरोसेल चलता जाएगा, एक फोटो पे दूसरी फोटो, और आपको जो सा फोटो अच्छी लगेगी वो कहेगा कि सेल राइट नाउ, आप सेल राइट नाउ पे क्लिक करेंगे वहां पे आप उसे खरीद सकते हैं। यहाँ तक कोई मसला ये समझ में आगे बात ठीक है मोहसिन भाई? ठीक हो गया सर। ये दोबारा बात बताइएगा ये मल्टी जी, कोई मसला नहीं मैं बता देता हूँ। ये आपने अगर कभी शूज या आप कोई भी प्रोडक्ट जब सर्च करते हैं ना, आपको उसने टारगेट कर लिया भाई इस बंदे को ये चीज चाहिए, फिर क्या करेगा कि आपको उस ब्रांड के कैरोसेल ऐड दिखाएगा। कैरोसेल ऐड के अंदर होता यूं है कि उन्होंने 10 प्रोडक्ट जो होते हैं ना, 5 to 10 या 2 to 10 की लिमिट होती है कि 10 प्रोडक्ट की फोटोज लगाई होती हैं, 10 अलग अलग शूज की उन्होंने फोटोज लगाई होंगी, आपको एक नहीं पसंद आता आप आगे चले जाएं दूसरा दिख जाएगा, आप आगे बटन दबाएंगे तीसरा दिख जाएगा, फिर आगे बटन दबाएंगे चौथा दिख जाएगा, तो उस आप एलो का बटन दबाते जाए 10 दिख जाएंगे। आपको उन 10 में से कोई खास पसंद नहीं है तो आखिर में एक बटन होगा कि आप हमारी वेबसाइट पे आ जाओ वहाँ पे आगे देख लो, इस तरह वो आपको कन्वर्ट करेंगे और इस तरीके से वो आपके चलें ग्रेट हो गया। आगे चलते हैं, अब ऑफर एड्स होती हैं जब आप सर्विसेज बेच रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक ऑफर एड हो गई है। इसके अंदर आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, आपने उसके डिटेल्स ले लिए, उसके क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ऑल दैट, यहाँ से सेल कर दिया। फिर आगे वीडियो एड, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जिस तरह पहले फोटो एड्स की बात करते हैं उसी तरह कैरोसेल एड में भी ये एड होती हैं कि आप वीडियो की वीडियो प्ले कर दें, आपने अगर घड़ी बेचनी है उसकी ऐड प्ले कर दें, आपने जिसकी भी ऐड प्ले कर दें, और फिर वो जब सेल होगी तो वीडियो ऐड पे कन्वर्जन ज़्यादा आ जाएगी। वीडियो ऐड का ये होता है कि इस पर कन्वर्जन कम होती है मगर इसकी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने ऐड अच्छी बनाई हो तो लोग अपने आप शेयर करते हैं उसे, अगर आपने बहुत अच्छी बनाई हो, थोड़ी कम अच्छी है तो आम जो फोटो ऐड उसे नहीं लोग शेयर करेंगे, वीडियो ऐड आपकी फिर भी शेयर हो जाती है 1 to 2%, लोग उस पर कमेंट करते हैं यार चेक कर क्या मजेदार चीज़ है एंड ऑल दैट, इससे आपकी जो है ना वायरलिटी ज़्यादा हो जाती है, चीज़ वायरल हो तो उसके बिकने के चांस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि टॉप ऑफ द माइंड हो जाती है। क्या ये वायरल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई आपको? जी समझ आ गया। ग्रेट। लीड एड्स, लीड एड, डायनामिक एड और स्पॉन्सर्ड एड, ये तीनों एड्स जो हैं ये आपकी ब्रांडिंग के थर्ड टीयर में आती हैं। जब आपने अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट कर ली है और आप उसकी जो है सेल्स क्रिएट करना चाह रहे हो, लीड्स जनरेट करना चाह रहे हो, उसमें ये डायनामिक एड, ब्रांड स्पॉन्सर्ड और ये वाली एड यूज की जाती हैं। इसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट को उसकी लीड्स क्रिएट करने के लिए कहते हो कि आपको अगर ये चीज़ चाहिए तो आप ईमेल लिखें, आप एक तो अंदाजी में ऐड कर दिए जाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि आप ये काम करें तो आपको हम इस लिस्ट में डाल देंगे, फिर आपको एड द एंड ऑफ द डे आप ये मिल जाएगा। फिर इस तरीके से लीड्स क्रिएट कर रहे होते हैं, आपका नंबर ले रहे होते हैं, आपकी ईमेल आईडी ले रहे होते हैं, आपके लाइक्स ले रहे होते हैं, आपके फ्रेंड्स को ले रहे होते हैं, इनसे आपकी लीड्स क्रिएट होती हैं। लीड्स के ऊपर आप चीज़ें जो हैं आगे से आगे भेजते हैं।
बिलाल भाई फिजान भाई यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछ लें। मोहसिन भाई ये लीड, हाँ लीड क्या होती है ये जरा बताइएगा। जी जी मैं पूछता हूँ, लीड जो है ना मार्केटिंग की सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में से एक है। लीड एक ऐसी चीज है जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई आदमी आपकी दुकान पे आता है, किसी चीज की प्राइस पूछता है, यार ये मैंने स्क्रीन लेनी है लैपटॉप की, या ये मैंने चीज लेनी है, ये कितने की बिकेगी? और आप कहते हो इतने की बिकेगी, वो चला जाता है। मगर आपको लगता है कि बाद में फिर खरीदना चाहेगा, फिर आप इस तरह कहते हो यार अभी ये इतने की है, मगर अपना फोन नंबर दे दो, ये जब सस्ती होगी मैं आपको भेज दूंगा या आपको मैं बता दूंगा। उसने आपको अपना नंबर दे दिया, तो आपकी एक लीड क्रिएट हो गई है। अब आप आज कन्वर्ट कर लें उस लीड को, 10 दिनों बाद कन्वर्ट कर लें, 15 दिनों बाद कर लें, वो आपके ऊपर है। उसी तरह जब आप ब्रॉडवे का पिज्जा लेते हैं या कोई भी पिज्जा खाते हैं ना, तो वो आपके नंबर हो अपना ईमेल आईडी पे आप रिटर्न बना लेते हैं, फिर आपको वो हर हफ्ते के बाद मैसेज भेज देते हैं कि भजन ये हमारी डील आ गई है, ट्यूसडे डील आ गई है, वेडनेसडे डील आ गया, थर्सडे डील आ गई है, आपको बार बार याद करवा दिए कि भजन आ जाओ खा लो पिज्जा खा लो। और इससे क्या होता है, कन्वर्जन आपकी ज्यादा आती है। अब जब आप लीड क्रिएट कर लेते, बिलाल भाई फिजान भाई लीड जब आप कन्वर्ट कर लेते हैं ना, इम्पोर्टेंट ये है कि उसे आप एंगेजमेंट भी रखें, उसे आप याद दिलाते हैं कि आप उसकी जिंदगी का भी हिस्सा हैं, आप उसे छोड़ के नहीं गए हैं, ये बात इम्पोर्टेंट है। अक्सर लोग क्या कहते हैं, एक बार लीड क्रिएट कर ली है, नंबर ले लिया है, उसके बाद वो नंबर कई कई सालों तक साइड में पड़ा हुआ है, आपको उसकी परवाह नहीं है। जब भी आप लोग लीड लें तो इसे याद रखें कि उस लीड को जिंदा रखना होता है। अगर आप उसे 10 दिनों बाद कॉन्टेक्ट में नहीं लाएंगे तो वो आपसे ओझल हो जाएगा, आपको दोबारा आपकी बात सुनना नहीं चाहेगा, आपका जो इन्फ्लुएंस वो खत्म हो जाएगा वक्त के साथ साथ। क्या ये बात समझ में आ गई है बिलाल भाई आपको भी? जी जी आ गई, लीडर पता चल गया। जी ग्रेट हो गया। लास्ट ऑफ़ द लाइन है कैनवस ऐड। आप लोगों ने कभी फोटो बनाई है बचपन के अंदर? व्हाइट कलर का होती थी कापी हमारी, उसके अंदर हम फिर अपनी ड्राइंग करते थे, एप्पल या ड्राइंग जो भी करते थे, वो कैनवस कहलाता है। उस कैनवस के अंदर जब भी आप कोई चीज सेल करेंगे ना, तो बैकग्राउंड पीछे बैकग्राउंड होगा बिल्कुल ब्लैंक, और आप उसके अंदर ये दिखाएंगे कि भैया ये चीज है जो आपको कामयाब कर सकती है, इसके अलावा आप अगर ये चीज खरीदोगे तो आप बहुत कामयाब हो जाओगे, या फिर लोग आप फिदा हो जाएंगे, लोग आपकी तारीफें करेंगे। जिससे अक्सर एडवर्टाइजमेंट से आपको दिखा होता है कि बच्चा आदमी जो है वो गाड़ी से उतरता है, हर कोई उसे मुंह मुंह के देख रहा होता है, आदमी एक जूस पी रहा है, लोग उसे मुंह मुंह के देख रहे हैं, या कोई भी इस तरह काम जिससे आप उसकी माइंड मेंटेलिटी क्रिएट कर लो कि ये चीज है जो आपको कामयाब कर सकती है, तो आप उसे कैनवस पे ला रहे हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? जी ठीक है। अब उसी कैनवस के ऊपर जब ले आते हो ना, एडवर्टाइजमेंट जब करते हो तो कैनवस ऐड में आ जाता है। उस कैनवस ऐड के जरिए आप डेक भी सेल कर सकते हो, अगर आप चाहो तो उसे अपनी वेबसाइट भी भेज सकते हो, अगर आप चाहो तो उससे लीड भी क्रिएट कर सकते हो। मोहसिन भाई जी जी सर जी जी पूछिए यार, ये कैनवस ऐड क्या है मुझे नहीं समझ आया, मतलब कोई मसला नहीं, तो आपने बता दिया लेकिन जी जी लेकिन ये मैंने कभी देखा ही नहीं है। कोई मसला नहीं, मैं ना आपको जो जो चीजें समझ नहीं आई मैं चाहता हूँ उनके क्वेश्चन मार्क बनाए और उन्हें गूगल पे सर्च करें कि कैनवस ऐड लिख रहा हूँ। हाँ ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया। इन सबको सर्च करें, मैं आपको जो बातें बता दूँ ये मैं अपने लिहाज से बता दूँ, ये बातें हमेशा सच नहीं रहेंगी, ये मुमकिन है आज भी बात सच है कल को वो बात झूठ हो जाएगी, क्योंकि रोजाना एल्गोरिथम्स अपडेट हो रहे हैं, रोजाना नई अपडेट आ रही है, नई सिक्योरिटी चेंजेस आ रहे हैं, तो रोजाना चेंजेस आते रहते हैं। अब मेरी जो बातें हैं वो हो सकता है 3 साल पुरानी हो, 3 साल में बहुत ज्यादा मार्केट चेंज हो गई हो। फैजान भाई अभी भी बात समझ रहे हैं? जी ठीक है। रिसर्च करनी है, हर चीज रिसर्च करनी है आपने, जो भी सवाल आता है उसे रिसर्च करें। अगले दिन फिर आप मुझे ग्रुप के अंदर मैसेज कर दे कि ये मेरे सवाल है, मैं फिर अगले लेक्चर के अंदर उन सारे सवालों को आपको जवाब दूंगा, उनके ऊपर फिर डिटेल में बात करें, ताकि दूसरे दोस्तों के लिए भी वो सवाल जवाब में आसानी हो जाए। ठीक है भाईजान? ठीक है, ठीक है। तो अभी जो हमने फेसबुक की एड्स बात की है, उसमें 3 किस्म की एड्स की बात की है, एक लीड जनरेशन के लिए जी, दूसरा हमने की है फॉर ट्रैफिक, ठीक है, और तीसरा हमने किया ब्रांड अवेयरनेस। यहाँ टॉप ऑफ द माइंड लीड जनरेशन मैं एक बार फिर बता दूं बिलाल भाई जी, लीड जो है
आपकी कोई भी ऐसा बंदा जो पोटेंशियल कस्टमर बन सकता है, अभी कस्टमर है नहीं मगर इन फ्यूचर आपको लगता है वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपकी लीड है जी। अब आपने उसका नंबर लेने हैं, आपने उसका नाम पहचानना है, आपने उसके घर का पता लेना है, हर चीज ले लेनी है जो आप उसे निकाल सकते हो, ताकि आप उससे सेल करो, आप उसके घर वालों को चीज बेचो, आप उसके पूरे फैमिली को चीज बेच सको, जितना डेटा निकालो आप उससे, ये आपकी लीड जनरेट हो गई है। अब आज नहीं बिकेगी चीज कोई मसला नहीं है, आज से दो दिनों बाद बिक जाए, दो दिनों बाद भी बिकती, साल बाद भी बिक जाए, मगर आपने लीड को ताजा रखना होता है, जितना ताजा रखो, जितना से याद दिलाते रहोगे भाई ये चीज आपको बहुत चाहिए, आपको ये चीज बहुत मजे की लगे, ये चीज खाओ, हम सेल भी दे रहे हैं, मुफ्त में ले लो, जो भी चाहिए करो। अब आपने उसे बार बार याद दिलाते रहना, उसके दिमाग में चीज आती रहे, हाँ यार ये चीज सस्ते में दे रहे हैं, बहुत अच्छी है, ले लेते हैं ले लेते हैं। फिर जब वो कहीं और भी जाएगा उसे याद रहेगा कि हाँ वो फलां ब्रांड था जिसकी चीज इतने की बिक रही थी, ये तो महंगी है, गंदी चीज है, मैं वही चीज खरीदूंगा। फिर बाद में आगे कन्वर्ट जरूर होगा आपके पास, आपने उसे बस याद ताजा रखना है, ये आपकी लीड जनरेशन है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। मोहसिन भाई जी 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 यूट्यूब हो गया और जो फर्दर इस तरह के जो भी सोशल मीडिया है, तो इसमें जो एड्स आते हैं वो जितनी भी पिक्चर्स या इमेजेस होती हैं, फोटोज होती हैं, वो हम खुद जो मार्केटिंग वाला होता है बंदा जी जी वो बनाता है या फिर डिजाइनर जो है वो देता है? जी अच्छा सवाल है आपका, ये एक्चुअली दोनों काम कर सकते हैं आप, एज अ डिजिटल मार्केटिंग आप डिजाइनिंग भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि जिसका जॉब है उसी वो ही करे, मैं ये क्या शुरू कहावत है जिंदगी समथिंग या मुझे याद नहीं आ रही, जिसकी जॉब है, हाँ जी बात समझ गया ना, ये बात कि मैंने की जिसकी जॉब है वो करेगा तो उतना बेहतर होगा। अब अगर आप डिजाइनिंग कर लेंगे मगर उसका वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो कि वो प्रोफेशनल नहीं होगी, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कन्वर्जन उस पे कम लेके आएंगे, कन्वर्ट होगा उस पे भी कन्वर्ट होगा, ये नहीं मैं कहता कन्वर्ट नहीं होगा, तो आप मुमकिन तौर पर बहुत अच्छे डिजाइनर होंगे, मगर जब आप किसी और से काम को आते हैं आप एक ऑब्जेक्टिव तौर पर देख सकते हैं उस चीज को, जब आप खुद बनाते हैं ना आपकी थकान भी होती है, आपकी मेहनत भी होती है, आपको चीज लगे नहीं बस भाई ये खत्म है, इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए आप ऑब्जेक्टिवली उस मशहूरी को नहीं देख पाते हैं, और जब किसी और से काम करेंगे फिर आप ऑब्जेक्टिवली उसके अंदर से चीजें निकालेंगे, भाई यार ये देखो आपने यहाँ पे पिक्सल फटा है, यहाँ पे ये मसला हो रहा है, ये ठीक करके दो मुझे। हाँ जी भाई फिर आप पूछिए। मुझे भी अब जब एड्स तो वो बना के डिजाइनर जो है वो जिस तरह वो ग्राफिक पे बनाते हैं, जिस तरह भी वो बनाते हैं वो हमें दे देता है, तो हमारा काम सिर्फ ये होता है कि उस एड को डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर लेके जाना और उसको डिस्प्ले करवाना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं भाई मजे की बात बताता हूँ, अगर तो आप किसी एक अच्छी एजेंसी में जाते हैं ना तो उसमें आपको डिजाइनर भी मिलेगा, उसमें आपको कंटेंट राइटर भी मिलेगा, उसमें आपको डेवलपर भी मिलेगा, आपका काम होगा सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी बनाना कि उसे बेचना कैसे है, कहाँ से बेचना है, क्या लफ्ज लिख के बेचना है, क्यों बेचना है, किस ऑडियंस को टारगेट करना है, लीड कैसे क्रिएट करनी है, और जब एक बार लीड बन जाए उस लीड को ताजा कैसे रखना है, आपको कौन सी स्ट्रेटजी क्रिएट करना है। जी जी बोलें। जो हमारी जो अर्निंग होती है वो डिपेंड करेगा कि हमने लीड कितनी बनाई है या फिर हमने प्रोडक्ट कितना सेल किया है उनका। जी बिल्कुल, आपकी कन्वर्जन पे होती है, एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका जो क्लाइंट है वो चाहता क्या है, अगर आपका क्लाइंट चाहता है कि मुझे ट्रैफिक आए तो उसे कन्वर्जन से मतलब नहीं है, उसे सिर्फ ट्रैफिक चाहिए, आप फिर अपनी स्ट्रेटजी भी ट्रैफिक के लिए बनाओगे, अगर आपका क्लाइंट चाहता है कि उसकी चीज बिके तो फिर आप कन्वर्जन के लिए बनाओगे उसकी एडवर्टाइजमेंट, अगर वो चाहता है कि उसकी ब्रांड की मशहूरी हो कि आप अपनी पूरी स्ट्रेटेजी ब्रांड अवेयरनेस के लिए बनाओगे ताकि उसकी ब्रांड की मशहूरी कर सको। क्या मैं पॉइंट आप तक पहुंचा है? आपने पहले क्लाइंट से पूछना होता है कि भाई आप चाहते क्या हो, अक्सर क्लाइंट्स को पता भी नहीं होता वो चाहते क्या है, आपको उन्हें बताना पड़ता है भाईजन ये आपके पास ऑप्शन है, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ए करोगे बी होगा, बी करोगे सी होगा, सी करोगे तो डी होगा, उसे पहले आपको एजुकेट करना पड़ता है। हाँ, काफी ज्यादा तो ये होता है ना कि हमारे जो क्लाइंट होते हैं तो खुद तो इतना नॉलेज नहीं होता, तो वो फिर यही होता है कि बाद में कहते हैं हमारा प्रोडक्ट तो सेल नहीं हुआ। जी बिल्कुल, तो मतलब हम आपको क्यों हम आपको क्यों दे पैसे। बिल्कुल ऐसे है, ये क्लाइंट मुझे भी अक्सर मिलता है, इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उसे पहले बात कर लो, उसे समझा दो कि भाई जान ये लाल भाई आपको भी इस तरह का बंदा मिलेगा, आप आएंगे ना फील्ड के अंदर वो कहेंगे हमारी चीज तो बिकी नहीं रही, आप क्या कह रहे हो, क्योंकि ये बाबे पुराने जमाने की जो है ना इनकी सोच ही होती है कि भैया उन्हें टेंजिबल चीज चाहिए जो जिस चीज को टच कर सकें,
अगर उसे टच नहीं कर पा रहे हैं, उसे टेंजिबल नहीं शक्ल में देख पा रहे हैं, तो उसे यकीन नहीं होता उन्हें कि वो चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। जो अंग्रेज हैं वो इनटेंजिबल को भी एसेट समझते हैं, ऐसी चीज से टच नहीं कर सकते हैं मगर वो भी एसेट है। अब ब्रांडिंग जो है ना, कोका कोला की ब्रांडिंग एक एसेट है उसका। अगर आप उसकी कोई एड या उसका ब्रांड अपनी किसी यूट्यूब के अंदर यूज करते हो ना, उसकी डिफेमेशन करते हो, तो आपके ऊपर केस कर देंगे कि आपने हमारी बिस्ती कैसे कर ली, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगो लगा के बिस्ती करने की। तमाम ब्रांड अपने ऊपर इस ब्रांड को, इनटेंजिबल ब्रांड को खराब नहीं होने देते हैं, इसके ऊपर भी वो मेहनत रखते हैं, जो कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में आता है। अच्छा फिजान भी, आपका जो क्वेश्चन था आपको उसका सॉल्व मिल गया, जॉब मिल गया या कुछ हो? हाँ जी बिल्कुल, नहीं नहीं ठीक हो गया बिल्कुल। मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ। ठीक है, आगे फेसबुक ऐड की तरफ चलते हैं। बिलाल भाई ये जी जी, अच्छा अभी हम फेसबुक से इंस्टाग्राम ऐड पे जा रहे हैं, इनमें से ये चारों ऐड्स आपने अपनी जिंदगी में, आप वैसे इंस्टाग्राम यूज करते हैं फिजान भाई और बिलाल भाई? हाँ जी 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 जी, ग्रेट हो गया जी जी। अब बताइए इनमें से आपने फोटो ऐड देखी है? हाँ देखी हुई है फोटो ऐड। वीडियो ऐड देखा जी? देखी है। कैरोसेल ऐड ये क्या होता है? चले कोई मसला नहीं है फिजान भाई, आपने? नहीं नहीं मैं, मुझे आइडिया नहीं है इसका। कोई मसला नहीं, आप देखा होगा लेकिन मैं आइडिया नहीं। जी कोई मसला नहीं है। और स्टोरी ऐड, स्टोरीज तो देखते होंगे आप? स्टोरी ऐड भी देखा है। हाँ जी जी। अब ये जो चारों ऐड्स है ना, इसे आप दो तरीकों से कहते हो, एज अ ब्रांड या एज अ इन्फ्लुएंसर। जब आप एज अ ब्रांड कर रहे होते हो ना, तब आपने हर चीज में क्लास शो करनी होती है, एक स्टैंडर्ड शो करना होता है, उसी स्टैंडर्ड को फॉलो थ्रू करना होता है। आप कभी भी अपना स्टैंडर्ड छोड़ के जा नहीं सकते। अगर आपने एक ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है, अपना ब्रांड को मनवाना है ना, तो आपने एक दफा जो पिच क्रिएट कर ली है, उसी पिच को हमेशा आप लेके चलोगे। और चेंज करना है तो फिर आपको पूरी ब्रांड रीब्रांडिंग करनी पड़ेगी, दोबारा से सारी चीजों को चेंज करके लाना पड़ेगा। अगर आपने फोटो ऐड बनानी है तो सारी फोटो ऐड एक ही तरह से बनाएंगे, एक ही जगह पे आपको लोगो आ रहा होगा, एक ही तरह की इमेज कलर्स यूज हो रहे होंगे, वो सारी चीजें सेम यूज कर रहे होंगे। कैप्शंस के अंदर जो आपने हैशटैग यूज करने हैं वो भी सेम होंगे, जो आपने थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं, और जो आपने ब्रांड मैसेज पहुंचाना है वो भी सेम होगा। आप ये नहीं कह सकते कि एक फोटो के अंदर आप एक मैसेज दे रहे हैं, दूसरी फोटो के अंदर अपना मैसेज चेंज कर रहे हैं, तीसरी फोटो के अंदर आपका लोगो राइट साइड पे है, चौथी फोटो के अंदर आपका लोगो उल्टे हाथ पे है। एक ही प्रोग्राम को कोशिश करें लेके चलें, पिच बना लें, टेबलेट बना लें, फिर उसी को अपने तमाम जगह पे कॉपी पेस्ट मारना है, फिर उसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस करें ताकि खूबसूरत लग सके या थोड़ा सा डिफरेंट आ सके, मगर कोशिश करें स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना लें, SOP, और उसी को फॉलो करें। क्या ये बात समझ आई भैया आपको? हाँ जी। चलें, वीडियो एड भी सेम यही है कि आपने एक वीडियो बनाई, उसके अंदर आपने सेम ब्रांडिंग की, ब्रांडिंग को लेके चलते गए। उसके अलावा कैरोसेल ऐड होता यूं है कि जिससे मैं आपको पहले बताया था, इसमें होता यूं है कि उन्होंने 2-8 फिक्स जो फोटोज होती है ना, साइड बाय साइड स्लाइड शो में लगाई होती हैं। आप एक प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आता, आप उसे आए करें और दूसरा प्रोडक्ट दिखा देगा, भाई ये वाला प्रोडक्ट ले लो, ये भी अच्छा है। आपने एक टी शर्ट देख ली, फिर दूसरी टी शर्ट देख ली, फिर तीसरी टी शर्ट, वो फिर पैंट दिखा देगा, शूज दिखा देगा, उसने 8 फोटोज दिखा दी आपको, वो उम्मीद है उन 8 में से एक आधी आपको दिल को लग जाएगी, फिर वहां से आपको 2 काम करेगा, या तो आपको अपनी वेबसाइट पे बुला लेगा, भाई हमारी वेबसाइट पे आके सेल कर लो, या दूसरा कहेगा कि आप यहीं से ऑर्डर कर दो हमें, हम आपको पहुंचा देंगे, मैसेज के जरिए ऑर्डर हो जाए, या वहां पे भी सेल का बटन होता है, वहां से भी इंस्टाग्राम पे सेल डायरेक्ट आ गई है। ये बात समझ आ गई बिलाल भाई आपको? जी जी पता चल गया, लेट हो गया, लेट हो गया। लास्ट स्टोरी ऐड, स्टोरी ऐड जो है ये ब्रांड्स जो है यूज जो करते हैं, सिर्फ सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस के लिए कहते हैं। इसमें ब्रांडिंग जब आप कर रहे हो ना, जब आप कंपनी के तौर पे कर रहे हो, तब आप अपनी मशहूरी प्रोडक्ट सेल करने के लिए ना लगाओ, मेरा मशवरा ये है। मगर जब आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है ना, तो उन्हें आपने कहना कि स्टोरीज भी लगाएं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर की स्टोरी में जितनी पावर है, ब्रांड की स्टोरी में कभी उतनी पावर नहीं आएगी। इन्फ्लुएंसर आपने हंट किया है,
मिसाल के तौर पे आप बेचना चाह रहे हो फुटबॉल, बेचना चाह रहे हो, आपने एक फुटबॉलर को हर्ट किया है जो कि आपके इलाके का बहुत मशहूर फुटबॉलर है, उसके 2000 के करीब फॉलोअर्स हैं, आप उसे मैसेज करोगे भैया मैं आपको मुफ्त फुटबॉल दूंगा, उसके बदले में आपने क्या करना है, हमारी एक स्टोरी ऐड लगानी है, एक फोटो ऐड लगानी है, एक वीडियो ऐड लगानी है। बंदा क्या करेगा, वो एक फोटो बनाएगा अपने इस फुटबॉल के साथ और उस फोटो के नीचे लिख देगा कि ये फुटबॉल मैंने फलां कंपनी से लिया है, आप भी उससे जाए खरीद लो। सेम थिंग गोज, वीडियो बनाएगा अपनी फुटबॉल खेलते हुए और आखिर में नीचे कैप्शन में लिख देगा ये फुटबॉल मैंने फलां कंपनी ने मुझे गिफ्ट किया है, बहुत अच्छा फुटबॉल है, जाके वहां से खरीद लो। स्टोरी में भी सेम सीन है कि मुझे फुटबॉल गिफ्ट आया है, चेक करो बहुत मजे की चीज है, वेबसाइट पे जाओ देखो बहुत अच्छी चीज है। इस तरह इन्फ्लुएंसर जो मार्केटिंग है वो एक बहुत पावरफुल ब्रांड बन के आ रहा है, जिसमें आप इन्फ्लुएंसर को हंट करते हो, छोटे इन्फ्लुएंसर को हंट करने को चाहे बड़े को ना करो, क्योंकि छोटा जो है छोटे मान जाएगा, बड़े को आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, प्रोडक्ट भी देना पड़ेगा और 18 बातें भी सुननी पड़ेंगी। वही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कभी खत्म भी नहीं होगी, मैं आपको मैसेज करता हूँ, आप चाहे पाकिस्तान में हो चाहे आप अमेरिका में हो, छोटा बंदा ढूंढो जिसके 2000 से 4000 फॉलोअर्स है अपनी नीश के अंदर रहते हुए, कीवर्ड यूज करो। मिसाल के तौर पर मैं जैसा फुटबॉल की बात कर रहा था, तो आप फुटबॉलर्स इन लाहौर इस तरह के कीवर्ड यूज करो, आपको लाहौर के अंदर जितने फुटबॉलर्स हैं वो मिल जाएंगे, यहाँ जो फुटबॉल की पोस्ट लगाते हैं हैशटैग लगा के, फिर आप उन फॉलो उन्हें एक एक करके चेक करो कि इनके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने इनके कमेंट्स आए हैं डेली, इनके कितने लाइक्स हैं, उन्हें फिर रीच आउट करो, यार मेरे पास एक फुटबॉल है, मैं चाहता हूँ कि आप उस फुटबॉल की मशहूरी करो, उसके बदले में मैं आपको एक आधा गिफ्ट दे दूंगा, और इस तरह करके प्यारी सी बात कर ली और टेम्पलेट बना के फिर आपने उसे रीच आउट कर लिया। फिर एट द एंड ऑफ द डे जब वो आपकी मशहूरी करेगा ना, उस एक फुटबॉल देने के बदले में आपकी जब 10 फुटबॉल बिकेंगे तो आपके पैसे भी पूरे हो जाएंगे और आपकी रीच आउट भी कन्वर्जन हो जाएगी। क्या यहाँ तक समझ में आ गई मैं भाई को बात? हाँ जी सर, ग्रेट हो गया। आगे चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, हम क्यों लेके जा रहा हूँ मैं आपको, उसके बारे में बात करते हैं। ये 2017 का डेटा है, इसके अंदर अगर आप गौर करें, 2017 की मैं बात करूँ, 2020 की नहीं, आज से 3 साल पहले टीवी के ऊपर जो एड्स चल रही थी बजट के लिहाज से, अगर आप समझेंगे आपका टोटल पूरी दुनिया का बजट 100 रुपया था ना, तो 100 में से 28 रुपीज जो थे ना वो आपके डिजिटल में लग रहे थे, चाहे वो फेसबुक पे लगे, चाहे गूगल पे लगे, चाहे व्हाट्सएप पे लगे, चाहे इंस्टाग्राम पे लगे, आपके 28 रुपये जो थे वो सिर्फ डिजिटल पे लगे थे। ये कंबाइंड अकेला इतना है जितना आपका टीवी, प्रिंट, रेडियो और दूसरे मीडिया मिला के है। अब इन मीडिया को जब आप अकेले इतना पावरफुल देखते हैं, 2017 में ये था और 2018 में ये हो चेंज हो गया, 2020 के अंदर अब आप लोगों का अगला टास्क ये है असाइनमेंट नंबर 2, आपने मुझे लेटेस्ट फैक्ट्स और फिगर्स ढूंढ के देने हैं कि 2020 के अंदर क्या डेटा है, डिजिटल मार्केटिंग में कितना पैसा लगा है। ठीक है, देख लिया सवाल आप दोनों ने? जी रिजान भाई। जी जी ठीक है मुसर भाई। ओके आगे चलते हैं, अगले 5 साल के अंदर उन्होंने ये बताया था 2017 के अंदर कि डिजिटल मार्केटिंग 30.80 तक पहुंच जाएगी, मैं मुझे लगा कि 30 पॉइंट से ऊपर चली गई है, अभी 32 पे पहुंच गई है ये मैंने जब लास्ट टाइम रेट किया था, मगर आप लोग रिसर्च करके बताइएगा मुझे क्या अभी क्या है, अगले 5 साल के अंदर आपको क्या लगता है क्या होगा। आपका डेटा अगर आपको ना मिले तो आप अपनी तरफ से खुद से भी डेटा बनाएं, देखें दूसरी वेबसाइट्स को, देखेंगे वो क्या कहती हैं, क्या हो रहा है, फिर वहां से अपना डेटा खुद क्रिएट कर लें। ठीक है आगे चलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर। फिजान भाई आपके वाला क्वेश्चन जो है एसईओ का, वो इसके बात करेंगे हम, पहले अभी हम से सर्च इंजन मार्केटिंग की बात करें कि आपने गूगल के ऊपर या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पैसे लगा के कैसे बेचना है। एसईओ जो है ना ये मेरी फेवरेट फील्ड है, इसके अंदर आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें टेक्निकल नॉलेज बहुत चाहिए होती है, इसलिए उससे थोड़ा मैंने बाद में रखा है, पहले मैं इसलिए चाहता हूँ कि आपको जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं ना, जो पैसे लगाने वाली बातें हैं वो दिखा दूँ कि भाई यहाँ यहाँ पे पैसे लगते हैं, फिर जो मुफ्त वाली बातें, जो टेक्निकल बातें जहाँ पे हमने ज्यादा काम करना है वो फिर मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है ना। चले सर्च इंजन मार्केटिंग की बात करते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग जो है इंटरनेट मार्केटिंग की ऐसी फॉर्म है जिसमें आप वेबसाइट्स पे अपनी विजिबिलिटी क्रिएट करते हो, अपनी अवेयरनेस क्रिएट करते हो और अपनी मशहूरी करते हो,
अक्सर जब आप मशहूर वेबसाइट्स खोलते हैं ना, तो सीधे हाथ की तरफ या ऊपर बैनर के तौर पे मशहूरी आ रही होती है जैज की या जोंग वगैरह की, जिसमें उनके वो बता देते हैं भैया हमारा नया पैकेज आ गया या सिम लगा ऑफर है या कोई इस तरह की बात कर देते हैं, जिससे उनकी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट हो रही होती है, कन्वर्जन आ रही होती है या इस तरह करके। ये सारा कुछ सर्च इंजन मार्केटिंग में आता है। सर्च इंजन मार्केटिंग तीन किस्म की होती है, एक जो गूगल के ऊपर आपको ऐड दिखाई देती है ऊपर नीचे, दूसरा जब आप वेबसाइट पे जाते हो या उसके गूगल के पास जाते हो वहां पे जो आपको ऐड दिखाई दे रही होती है, सर्च इंजन मार्केटिंग में आती है। ठीक हो गया बिलाल भाई, आपके पास समय आ गया? जी जी सर, ग्रेट हो गया। मोहसिन भाई? जी जी मोहसिन भाई। जी जी हुक्म हुक्म। अच्छा जिस तरह आप कह रहे हैं कि गूगल के ऊपर हम लोग सोशल मतलब ये गूगल के ऊपर जाके हम मार्केटिंग करते हैं, इस तरह से ऐड लगाते हैं जी, या किसी वेबसाइट के ऊपर जाके इंटरनेट के ऊपर जी जी हाँ जी, तो वो हमें क्यों लगाने देंगे अपनी वेबसाइट पे? जिस तरह एक प्राइवेट स्कूल की है या फिर प्राइवेट कॉलेज की एक वेबसाइट है, तो वो हमें वहां पे क्यों ऐड लगाने देंगे? अच्छा सवाल है, इसका मैं जवाब देता हूँ। भाईजान जितनी भी ब्रांड्स है ना, वो आपको कभी भी अपनी वेबसाइट ब्रांडिंग वाली वेबसाइट पे नहीं लगाने देंगे। आपको लगाने कौन देंगे? जिनका काम ब्रांडिंग नहीं बल्कि अवेयरनेस है। अब मिसाल के तौर पर न्यूज़पेपर्स हो गए, ब्लॉगिंग साइट्स हो गई, या जो भी लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, वो आपको कहेंगे भाई आओ हमारे पास मशहूरी करो। ये ऐसे जैसे टीवी चैनल वाले या केबल चैनल वाले कहते हैं आओ हमारे पास मशहूरी करो और हमें पैसे दो, हम आपकी मशहूरी करेंगे, राइट? तो ब्रांडिंग वाले कभी आपको नहीं कहेंगे भाई आओ हमारे पास ब्रांड, हमारी ब्रांड है, जैसा कोका कोला या इन्फिनिक्स या फिर कोई भी ब्रांड जो है ना, वो कभी भी नहीं ज्यादा देगा कि आप उनके ब्रांड के ऊपर जाके अपनी एडवर्टाइजमेंट करें, क्योंकि उससे उनकी ब्रांड खराब होती है। आपको ज्यादा देंगे जी, तो हमें फिर जो है वहाँ पे खुद पैसे देने पड़ेंगे कि हम अपनी मतलब एडवर्टाइजमेंट चाह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको कोई भी मार्केटिंग वाली फील्ड जो है ना, जहाँ पे एम लग जाएगा आखिर में, पैसे के बगैर नहीं होगी वो, आपको किसी ना किसी तरीके से पैसे या अपना कोई प्रोडक्ट देना पड़ेगा या अपनी सर्विस देनी पड़ेगी या कोई चीज देनी जरूर पड़ेगी आपको। SEO मेरे ख्याल में वाहिद ही ऐसी फील्ड है जिसमें आप एक रुपया लगाए बगैर अपनी प्रमोशन कर सकते हो, वरना जितनी भी एडवर्टाइजमेंट की फील्ड है ना, उसमें पैसे जरूर लगते हैं आपके। सही हो गया, ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग की बात कर रहे थे, सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर ना, बिलाल भाई हमारे साथ है? जी जी चल ठीक है, मैसेज कलेक्ट हो गया आपकी। अच्छा सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर ना भाईजान, आप अपने तमाम कीवर्ड्स को चार महीनों से गुजारते हो। पहले आप अपने ब्रांड की प्रमोशन करते हो, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करते हो, आप उनको दिखाते हो भाई ये ब्रांड भी एग्जिस्ट करता है, हाँ भाई ये चीज भी है, ठीक है, ये आपकी होगी प्रमोशन। उसके बाद अपनी ऑडियंस से आप इंगेजमेंट करते हो, आप उन्हें कहते हो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को दिखाओ, इस तरह का इंगेजिंग पोस्ट लगाते हो ताकि वो उसे खुद भी लाइक करे, आगे भी इंगेज करे और वो उसे किसी तरीके से कनेक्शन बना हो गया। कनेक्शन बहुत जरूरी है, जब आप अपने क्लाइंट से कनेक्शन क्रिएट करते हो ना, तो आपका ट्रस्ट क्रिएट होता है, जब ट्रस्ट क्रिएट होता है तो आपकी ब्रांडिंग बनती है, जब आपकी ब्रांडिंग बनती है फिर आपको सेल आने लगती है। यहाँ तक बात क्लियर है ना भाइयों? ठीक है, हाँ ठीक है। फिर आप आगे इसी चीज को मेजर करते हो कि जो मैंने एंगेजमेंट कर लिया है, क्या ये इसमें कितने में बंदे फॉलोअर्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने लोग हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं, और जो लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे उनकी वजह क्या है, क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं, कितनी देर के लिए आते हैं, क्या चीज है जो उन्हें बुरी लगती है तो वो मेरी वेबसाइट छोड़ के चले जाते हैं। ये सारे मैट्रिक्स होते हैं जिन्हें आप मेजर करते हो, फिर आप अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाते हो इन मैट्रिक्स को देखते हुए। और ये चौथे स्टेप पे भी आता है, ऑप्टिमाइज करना अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स को यूज करते हुए। जैसे कि मैंने बताया कि आप पहले देखते हो कि आपकी वेबसाइट में मसले क्या हैं, आप क्लाइंट आया उसने चीज क्यों नहीं खरीदी, यहाँ पे मसला आया था, यहाँ पे मसला आया था, यहाँ पे मसला आया, क्यों, उसने क्या चीज देखी और देखने के बाद वो छोड़ के चला गया, क्या आपकी वेबसाइट लोडिंग बहुत स्लो हो रही है, क्या आपकी मशहूरियाँ तस्वीरें बहुत गंदी क्वालिटी की हैं, यहाँ पे आपने कोई इस तरह का मैसेज लिखा हुआ जो उनके लिए बुरा उन्हें लगा, तो फिर आप अपनी ब्रांडिंग चेंज करोगे, अपनी आप वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करोगे, बेहतर बनाओगे कि वो कन्वर्ट हो जाए। ये हो गया आपका चौथा स्टेप।
ये हमें कैसे पता चलेगा, मतलब ऑप्टिमाइज में जिस तरह बाद हम किसी मॉल में जाते हैं तो वो हमसे रिव्यू लेते हैं कि क्या चीज अच्छी लगी क्या नहीं अच्छी, तो हम यहाँ पे भी वही जी जी यहाँ पे भी ऐसे ही होगा जी बिल्कुल होगा। ये एक बहुत मजेदार टूल है गूगल एनालिटिक्स की टूल, ये आप अपनी वेबसाइट के अंदर लगा लेते हो। फिर गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, जब भी कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है कहाँ पे जाता है कहाँ पे कौन सी चीज देखता है कौन सी जगह पे कितनी देर तक खड़ा होता है और क्या क्या चीज देखने के बाद वो आपकी वेबसाइट बंद करता है, हर छोटी से छोटी चीज जो है ना वो नोट कर रहा होता है। वो ये भी देखा होता है आपकी वेबसाइट क्या है, आप कौन से मुल्क से आए हो, आपकी एज क्या है, आपका नेट कौन सी कंपनी का है, आपने कब आए थे कब गए हो, अभी लाइव हो कि अनलाइव हो, क्या भी हो, कौन सी वेबसाइट से आप कनेक्शन ले सकते हो, वो गूगल एनालिटिक्स हर चीजें देख के आपको बता रहा होता है एज अ गूगल वेब मास्टर। आप देख रहे होते हो इन चीजों को एज अ गूगल वेब मास्टर और इन चीजों को समझ रहे होते हो, फिर आप जब इन्हें रीड आउट करोगे ना मैट्रिक्स को समझोगे फिर ये आपके लिए फोटो बनने लग जाएगी, भाई इस फोटो के मुताबिक मुझे दिख रहा है कि मेरी वेबसाइट लोडिंग बहुत स्लो हो रही है, इस वजह से लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, फिर आप उसे ठीक करोगे। आप देख रहे हो कि ये मैसेज मैंने लिखा हुआ है कि 500 रुपये में खरीदो 500 में, ये चीज़ जो है लोगों को पसंद नहीं आ रही है, फिर आप उसे चेंज करके रिमूव करके कोई और लफ्ज़ लिख दोगे वहाँ पे। आप इस तरह जब देखोगे ना मैट्रिक्स को आपको समझ आने लग जाएगी भैया ये चीज़ है जो कि मुझे सेल नहीं होने दे रही है, इस चीज़ को मुझे खत्म करके इसे बदलना होगा, इसे बेहतर करना पड़ेगा, फिर इसे आप ऑप्टिमाइज करोगे कीवर्ड्स के ऊपर। ये सारा डाटा जो है वो मार्केटिंग वाली जो जो डेवलपर होते हैं उसके पास आता है, ये आपके पास आएगा। ये होता यूं है कि जब आप वेबसाइट बनाते हो ना वेबसाइट के अंदर आपको छोटा सा कोड लगाना पड़ता है गूगल वेब मास्टर का, फिर आपकी वेबसाइट गूगल वेब मास्टर से कनेक्ट हो जाती है उस ट्रैकिंग कोड के जरिए। फिर वो कोड आप अपने अकाउंट के साथ लगा लो चाहे अपने मालिक के अकाउंट के साथ लगा लो। जी जी मोहसिन भाई मेरा ये था कि मैं कह रहा था हम लोग तो सिर्फ एक एड प्रोवाइड कर रहे हैं ना किसी भी वेबसाइट को, हमारा वेबसाइट से तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो जिस भी कंपनी की है हम तो सिर्फ ऐड देने तक देने के हद तक है। अब वो तो वेबसाइट को पता चलेगा, वो हमारे पास तो नहीं ना डाटा आएगा जो ऐड का जो है। होता ही है जब आप क्लाइंट लेते हो ना तब आप उसे असेस लेते हो वेबसाइट म्यूट की कि भैया मैं आपकी क्लाइंट को रीड करना चाहूंगा, मैं आपके ऑडियंस को समझना चाहूंगा, वो आपको असेस देगा। उसके बाद आप आपको ऑप्शन है कि आपने प्रमोशन भी करनी है गूगल पे, आप प्रमोशन भी करते हो तो गूगल ऐड पे लगाने से पहले बेहतर यही तरीका होता है कि पहले आप उसे गूगल एनालिटिक्स से लगा लो और देख लो कि मसला क्या है, क्यों नहीं इसकी सेल हो रही, पहले देखोगे आपसे। आपने जब भी कोई चीज़ खरीदनी होती है पहले आप मार्केट देखते हो ना, या मार्केट में ये चीज़ है किस तरह बिक रही है कैसे बिक रही है, ऐसे ही होता है ना भाई। तो पहले गूगल एनालिटिक्स से उसे उसकी वेबसाइट देखो क्या वजह है क्यों नहीं इसकी चीज़ बिक रही, आप उसे पहले असेस लोगे एनालिटिक्स से उसकी वेबसाइट को समझोगे वेब मास्टर से उसकी वेबसाइट को समझो फिर उसके बाद उसकी एडवर्टाइजमेंट लगाओगे आप। सही हो गया। ये सारी चीजें जो है ना टूल्स जो है गूगल एनालिटिक्स गूगल वेब मास्टर गूगल एड्स ये भी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स के अंदर इन्हें भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो मौसम भाई हम ये प्रैक्टिकली आप करके हमें दिखाएंगे या फिर मैं करूंगा भी इंशाल्लाह आपसे करवाऊंगा भी आप लोगों को। मैंने ये जिस तरह छोटे छोटे असाइनमेंट दे रहा हूँ ना उस तरह आपके असाइनमेंट्स होंगे इंशाल्लाह ताला, और असाइनमेंट्स के बाद आपके टेस्ट हुआ करेंगे उन्हीं असाइनमेंट के ऊपर, जो जितना जल्दी क्लियर करता जाएगा वो आगे चलता जाएगा, और फिर इंशाल्लाह ताला जिसका पहले कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा उसे भी सर्टिफिकेशन मिल जाएगी और फिर अपना काम शुरू कर ले, ऐसे करूँगा मैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला चाहता हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत दे। हां कोई और सवाल है लाल भाई तो पूछ लें वरना आगे चलते हैं। नो नो सर आगे चलें जरा चलें। ग्रेट हो गया। अब गूगल के अंदर जो है ना या सर्च इंजन मार्केटिंग एज एड्स जो है उनकी मेन कैटेगरी है पे पर क्लिक, हर क्लिक के ऊपर आपको पैसे देने पड़ते हैं। आपने मशहूरी लगाई है फॉर एग्जांपल लोन लेने की, अब जब भी कोई आपके एडवर्टाइजमेंट पे एक दफ़ा क्लिक कर देगा तो आपको पैसे पड़ जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे फिजान भाई के पास एक बंदा आता है वो कहता है कि भाई जान मेरे बर्तनों की दुकान है आप मेरी वेबसाइट पे सेल नहीं हो रही है ट्रैफिक भी नहीं आ रही है, आप काइंडली ना ट्रैफिक भी लाओ सेल भी करो। फिजान भाई क्या करेंगे google.com/ads पे जाएंगे उसकी वेबसाइट की कैंपेन क्रिएट करेंगे तमाम पैरामीटर्स लगाते हुए,
उस कैंपेन को रन कर देंगे और एक मिनिमम बजट दे देंगे भजन के हर क्लिक के ऊपर ना इतने पैसे काट लेना मेरे बजट से। फिर उस कीवर्ड के ऊपर गूगल देखेगा कि सबसे अच्छा किसकी बिड है, फिर उस बिड के ऊपर गूगल उसे उतना रैंक दे देगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। फिर जब भी कोई बंदा उस कीवर्ड को सर्च करेगा ना कि यूटेंसिल्स होम यूटेंसिल्स वो एंटर मारेगा तो गूगल फैजान भाई की एड दिखा देगा जो दूसरे नंबर पे। अब मैंने दूसरे नंबर पे जाके फैजान भाई की एड पे क्लिक किया तो जब भी मैं क्लिक करूंगा ना उस एड के ऊपर तो फैजान भाई को 15 रुपए या 20 रुपए या जितने पैसे लगे। हाँ जी ये आपकी हो गया पेपर क्लिक। यहाँ तो वही फ्रीलांसिंग की तरह जिस तरह बिड्स होती हैं उसी तरह ही काम करेगी। बिल्कुल 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 बिड होती है। आपको बिड की समझ है बिलाल भाई? जी जी थोड़े बहुत है मुझे। चलिए ग्रेट हो गया फैजान भाई, मुझे बिड की एक बार बिड का एक बार बता दीजिएगा। बिड का यही था मोशन में कि जिस तरह हम लोग कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो डिफरेंट जो लोग हैं वो आके अपने अपने मुताबिक कि मैं इतने में खरीदना चाहता हूं या इतने में प्रपोजल भेजते हैं। जी 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 बिल्कुल वो डिफरेंट प्रपोजल कहां होते हैं अपवर्क पे जिसका। जी बिल्कुल। अच्छा आपने अपवर्क पे काम किया हुआ है बिलाल भाई? मैंने शुरू किया है थोड़े दिन से ना, ये जैसे कोरोना आया तब। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने ऐसे एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को इसका ही कहना था कि आप लोग अपनी अपवर्क पे प्रोफाइल आज ही आज क्रिएट करें और अच्छे से देखें कि लोगों ने किस तरह की प्रोफाइल्स बनाई हुई है और मुझे बना के अपनी प्रोफाइल सेंड करें ताकि मैं उसे बेहतर कर सकूं। फैजान भाई आपने अपवर्क पे बनाई है अपनी आईडी? नहीं नहीं मौसम में मैंने नहीं बनाई अभी। और फाइवर पे? फाइवर पे काफी अर्सा पहले बनाई हुई थी लेकिन काफी उसके बाद देखी नहीं कभी। चले कहीं उसका नहीं है बस ऐसे ही है। मैं समझ सकता हूं। लाल भाई जी जी मेरी तरफ से हेल्प कीजिएगा, आप फैजान भाई को अपनी आईडी भेजिएगा और एक दूसरे से मशवरा कीजिएगा कि अपवर्क की आपने आईडी कैसे बनाई है और कन्वर्ट कैसे करेंगे, ग्रुप में बात कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि मौसम में आप कौन सी कह रहे हैं अपवर्क के क्या मुझे नाम समझ नहीं आ रहा। जी जी अपवर्क नाम है। हां जी अपवर्क ये मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म है फॉर हां जी फॉर ऑनलाइन सर्विसेज। पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे फ्रीलांस फाइवर है, बहुत मजे का वो दोनों ये मुझे बहुत पसंद है। अगर आपने नहीं बनाई तो फैजान भाई आप ग्रुप में बात कीजिएगा इनसे, क्या नाम है बिलाल भाई से। हाँ जी और इंशाल्लाह ये भी अपना असाइनमेंट नंबर 3 बना लें आपके, मैंने इसकी प्रोफाइल बनानी है प्याई सी और बना के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक हो गया भाई? अच्छा यार अपना मेरा नाम मोहसिन है। मोहसिन भाई मुझे ना एक दोस्त के बारे में क्वेश्चन पूछने, लेकिन हम एंड पे मेरे ख्याल वो करते हैं आपका लिए। पूछ ले मैं भी पानी पी लूंगा। अच्छा जी ठीक है। अच्छा यार मैंने ना एक अकाउंट ना अपवर्क पे ना बनाया था कोई 2018 में, ठीक है। तो मुझे ना तब इतना आइडिया भी नहीं था और मैंने काम भी नहीं स्टार्ट किया, बस मैंने देखो दिखाई ना लोगों को ना मैंने। जी जी मैं समझ गया। अभी कोई 5-7 दिन पहले से ना मुझे किसी दोस्त ने कहा, क्योंकि मैं पहले लाहौर में एक जॉब भी कर रहा था छोटी सी, फिर प्राइवेट भी कोई ना कोई काम आ जाता था। जी जी जी। तो अभी वो सारे बंद हो गए जारी सी बात। तो अभी मुझे एक दोस्त ने कहा कि ना यार आप वहां से शुरू कर लो अपवर्क। तो मैं अपवर्क पे ना वो कुछ 7-8 दिन से ना बैठा हुआ, ठीक है। अच्छा तो मुझे समझ नहीं आ रही कि यार क्लाइंट को कैसे लेके आना है। मैं बहुत लोगों को प्रपोजल भी भेजा है तो आपकी प्रोफाइल जो है ना मैंने जब अपवर्क पे क्रिएट करते हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जी मैंने आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट कर ली है। उसके बाद फिर आप उस पे क्लाइंट्स आपके पास आना शुरू करते हैं, आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट होगी पहले ही। ये नहीं पता मुझे यार। अच्छा चलो कोई मसला नहीं है। आप संगे आप ना ये अपनी आईडी इनकी भी बनवा दो फैजान भाई की और फिर बना के ना मुझे ग्रुप के अंदर अपनी आईडी शेयर कर दीजिए, मैं वहां पे चेक कर लूंगा। वो ना अब इस तरह की मुझे लगता है यहां पे वो अकाउंट बनाना पड़ता है पेपाल का या फिर डिफरेंट जो है वो। नहीं नहीं होता यूँ की अपवर्क का वो जी ऐसे अपवर्क जो है ना आपको पाकिस्तानी को वैसे अलाउ नहीं करता, क्योंकि यहाँ से ना बहुत ज्यादा लोग बनाने लग गए थे। तो इसका तरीका ये होता है कि आप पहले अपनी आईडी बना लेते हो, उसके बाद फिर आप एक दोस्त को कहते हो कि यार मुझे ना एक छोटा सा कॉन्टेक्ट बना के भेज, क्योंकि सेलर अलाउड है, कोई भी मुल्क का सेलर बन सकता है। तो आपने या तो उस दोस्त को कह दो कि मुझे एक छोटा सा कॉन्टेक्ट भेजे 100 रुपए का 200 रुपए का, वो कन्वर्ट कर दूंगा मैं। फिर आप जब वो करके उसे दे दोगे फिर वो उसे अलाउ कर देगा, फिर आपकी आईडी अपने आप क्रिएट हो जाएगी, वेरीफाई भी हो जाएगी। एक ये तरीका होता है। दूसरा ऑनलाइन है सर, सॉरी सर
जी, हुकम ये दोबारा बताइएगा, मैं आपके भी घंटी बजी है। अच्छा अच्छा मैं बताता हूँ, अफवक का फैजान भाई बिलाल भाई सीन ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर ना 2012 के अंदर इन्होंने 2012-14 के दौरान में ना बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे आइडिया बनाने लग गए थे, तो उन्होंने क्या किया था कि सैलरी के तौर पे ना पाकिस्तानियों के अकाउंट उन्होंने एज डिफॉल्ट बंद कर दिए थे। अब अगर आपने अकाउंट बनाना है ना तो आप डायरेक्ट अकाउंट वहाँ पे बना के अप्रूव नहीं करवा सकते, उसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका ये है कि पहले किसी का अकाउंट बनाओ, आप उस बंदे से एक कॉन्ट्रैक्ट लो, उस कॉन्ट्रैक्ट को फिलफिल करके फिर वो आप कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करवाओगे और फिर आपको अकाउंट मिल जाएगा, एक ये तरीका है। दूसरा, फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि दोस्त वगैरह पाकिस्तानी, वो मुफ्त में भी आपको अकाउंट बना के वेरीफाई करवा देती हैं। और दूसरा मैं आपको चाहें तो उनका भी बता दूँ, जैसा एक है एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली ग्रुप है फेसबुक के ऊपर, वहाँ पे अच्छे दोस्त हैं, उनने आपको कहे ना कि यार मैं अफवर पे काम करना चाहता हूँ, काइंडली मेरा अकाउंट जो है अप्रूव करवा दें, तो आपको मुफ्त में अकाउंट अप्रूव करवा देते हैं। ये दो तरीके हैं जो कि पाकिस्तानियों के लिए सबसे आसान है। बिलाल भाई समझ में आ गई बात? ये ग्रुप का वो भेजिएगा हमें वो लिंक और जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह वो भी भेज दूंगा। अच्छा, जो पहली बात आपने की है ना कि आपका कोई दोस्त हो और वो कर दे, वो सर मैं बता देता हूँ, देखें सर दोस्तों लाजमी नहीं है, असल में लाजमी ये है कि आपका जो दूसरा बंदा है ना उसका बाय का अकाउंट हो, मैंने ये वो कोई काम करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब एक आदमी ये अफल जो है ना ये एक मार्केट प्लेस है, यहाँ पे मजदूर आके अपने मजदूरी देते हैं और लोग वहां से मजदूर लेके जाते हैं, ऐसे ही है ना जी, जी, जी। अब ऐसे है कि आप एक आदमी जिसने मजदूरी करवानी है ना उससे रब्ता करो, उसे कहोगे मुझे अफवर्क के ऊपर मजदूरी दिलवा, वो आपको अफवर्क से इन्विटेशन भेजेगा कि भैया आओ मेरे पास मजदूरी करो अफवर्क के ऊपर आके, आप इन्विटेशन एक्सेप्ट करके वहां पे जाके मजदूरी करेंगे, काम कंप्लीट करके आएंगे, फिर वो उसे कहेगा हाँ इसने काम कर दिया, आपको अकाउंट वेरीफाई उसी वक्त हो जाएगा। तो मोहसिन भाई उसको जो वो आप कह रहे हैं मतलब 100 रुपीज देने, वो किसी ना किसी अकाउंट के थ्रू देने पड़ेंगे ना, फिर भी देने पड़ेंगे। उसके ऐसे तरीके निकल आते हैं पाकिस्तानी है, जुगाड़ निकाल लेते हैं यार फैजान भाई, आपको पता ही होना चाहिए। अब अच्छा। काफी डिटेल में जाना पड़ेगा, बेहतर ये कि आप लोग पहले अपनी आइडिया बना लें, फिर मैं वो ग्रुप शेयर कर दूंगा, ग्रुप में जाके आप उन लोगों का सिखाएं, उन लोगों से आप सीखें। ये भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ना, ये एक्चुअली ये भी एक स्किल है, आपने लोगों से इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है, अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन कम से कम देनी है और उनसे मैक्सिमम निकालने की कोशिश करनी है। माफी चाहता हूँ गलत और खराब बोला मेरा। आप लोग खुद से एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि मैं अगर आपको सारा कुछ दे दूंगा ना फिर आपकी एक्सपेरिमेंटेशन रह जाएगी, वो मैंने जो सीखा है ना जिंदगी में जितना भी मुझे आया है वो मैंने एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए सीखा है, और यकीन की जो एक्सपेरिमेंटेशन से सीखा हुआ है ना वो हमेशा मेरे काम आता है, इसलिए मैं चाहता हूँ आपको भी मैं उसी तरीके से सिखाऊँ। कोई मसला तो नहीं है ना आपको इस तरीके से? नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलो ग्रेट हो गया। अब इस लेक्चर के आखिरी स्लाइड है SEM की, सर्च इंजन पेपर क्लिक वाली, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। दो किस्म की पेपर क्लिक होती है, एक जो कि गूगल के ऊपर आप दिखाई देती है जब आप सर्च करते हैं, दूसरा जब आप किसी न्यूज चैनल पे जाते हैं या फिर न्यूज वेबसाइट पे जाते हैं या ब्लॉग के ऊपर जाते हैं जहाँ पे कंटेंट हो वहाँ पे दिखती है। दोनों का काम चीज बेचना ही है, और हर दफा जब आप उस पर क्लिक किया करेंगे तो आपकी एक पैसे गिर जाएंगे, $15, $20 जो भी आपने बिड ली होगी ना उतनी बिड आपकी गिर जाएगी। इसमें बिड का सीन ये होता है कि जिसकी सबसे अच्छी बिड होगी ना गूगल उसे उतना अच्छा रैंक देगा, उसे उतना ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि गूगल को उससे ज्यादा फायदा होगा। मिसाल के तौर पर मैंने भी एक बिड लगाई है लैपटॉप के ऊपर 15 रुपए की, बिलाल भाई ने बिड लगाई है लैपटॉप के ऊपर 16 रुपए की, फैजान भाई ने बिड लगाई है उसी लैपटॉप के ऊपर 18 रुपए की। गूगल जाहिर सी बात है फैजान भाई की बिड दिखाएगा क्योंकि उसे उसकी बिड में ज्यादा मुनाफा होता है, उसके बाद भी वो दिखाएगा बिलाल भाई की, आखिर में दिखाएगा वो मेरी बिड, यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है। लिखा हुआ था, हमने कहा 250 ठीक है,
जो पहले से उसने लिखा हुआ था 252 मतलब $500 के अंदर मैं ये कर दूंगा, ये हो जाएगा फिलहाल से ही बात कर रहा। हां जी, तो वहां पे नीचे आ गए ना वो 100 इंडिया वाले वो 100 रुपए में भी सेल कर रहे थे, और मैं सर पकड़ के बैठ के मैं कैसे कर लेते हैं लोग, कहां से आते हैं यार, कैसे कर लेते हैं यार। आप तो ये बात कर रहे हो, रात को मैं कुछ वो फोटोशॉप के काम से मैंने ना वो एक बंदे को ना फ्री में करके भी दिया है, अटैच करके दिए फाइल, मैंने कहा भाई कुछ दे दे इसके बदले मुझे, नहीं तो एटलीस्ट वो आ जाता है ना कि वो आपका सर आपको हाँ। आपको पता वो हिस्ट्री में तो ऐड हो जाता है ना, तो मैंने ऐसे ही ऐसे ही मेरा वो हिस्ट्री में ही कम से कम ऐड हो जाए। ये बिल्कुल आपने अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया है। आपकी जब क्लाइंट बनते हैं ना आपको फर्स्ट टाइम रेटिंग आने लग जाती है, वहां से आपको बहुत फायदा होता है। पहला क्लाइंट जी, पहले जो 5 क्लाइंट है वो आपके लिए सबसे मुश्किल क्लाइंट होंगे, आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, आपको मुनाफा भी नहीं होगा, आपका सर भी दर्द होगा और आपका दिल भी नहीं करेगा। मतलब पहले 5 क्लाइंट क्लियर कर लोगे ना और आपको उनमें से पूरी रेटिंग मिल जाएगी, 5/5 स्टार्स मिलेंगे, तो फिर आपको अगले क्लाइंट्स खुद आएंगे आपके पास, और जो पहले 5 क्लाइंट कन्वर्ट हुए होंगे ना वो भी वापस आएंगे और इस दफा वो आपको ज्यादा पैसा देंगे। अच्छा, तो हमारा पॉइंट क्या था, बेड वाली बात कर रहे थे। और फिलहाल भी ये मैं जब फ्रीलांसिंग पे था मेरा भी ये सीन था, मैंने बिड उसने कहा था ये $40 तक कर दो, मैंने कहा था भाई मैं $20 में कर देता हूँ। बांग्लादेशी आदमी आया, उसने कहा मैं आपको $10 में कर देता हूँ, मैंने कहा यार कहाँ से आ जाते हैं लोग। तो इस तरह के लोग मिलेंगे आपको, आप डिसाइड नहीं होना, आपने बस अगर बिड से काम नहीं चलता तो आप अपने क्लाइंट बनाए, डायरेक्ट क्लाइंट बनाए, तो फ्री वाले भी बैठे हैं। हाँ जी, कोई मसला नहीं है, आप मेरी बात सुने, आपका असल मकसद जो है ना क्लाइंट को हमेशा अपने साथ कन्वर्ट रखना है। आप इस तरह क्लाइंट बनाए कि आपको $5 ज्यादा मिल जाए, आप इस तरह क्लाइंट बनाए कि $5 कम दे के आपसे क्लाइंट बनाए, मगर वो हमेशा आपके साथ काम करना प्रेफर करे। आपने ये मेंटेलिटी रख के काम करना है, फिर आप कामयाब हो सकते हैं इस वर्ल्ड के अंदर। अपना हम अगर ये जिस तरह ये कोर्स कम्प्लीट होता है जी जी, तो हम ऐसा मतलब एम्प्लॉय कहीं भी किसी कंपनी में तो जॉब कर सकते हैं कि वो ठीक है, या फिर जो आप कर रहे हैं मतलब जो जिस तरह हम ओपनली भी काम करते हैं। यार मेरा मशवरा ये है कि आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद दोनों चीजें करो, मगर अभी कोरोना का सीन है तो अभी जॉब के मैं किसी को मशवरा नहीं देता कि जॉब इस तरह करो, अगर रिमोट जॉब का ऑप्शन जरूरी करो, मैं जैसे कोरोना खत्म होता है ना तो दोनों को लेकर चलो, क्योंकि लाइफ स्ट्रगल है, जितना स्ट्रगल कर लोगे उतना आगे चले जाओगे। और जहाँ तक जॉब की बात है, मैं ये इंशाल्लाह एक कोर्स कम्प्लीट होगा ना तो एक दो लोगों को मैं शायद इस कोर्स के एंड पे रखूंगा भी अपने साथ, क्योंकि मैं जो काम कर रहा ना मुझे उसके लिए लोगों की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, पेपर क्लिक का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें भैया। नहीं नहीं ठीक है मोहसिन भाई, चलो ग्रेट हो गया। बिलाल भाई आपको कोई सवाल तो नहीं है? नो सर, ग्रेट हो गया। अब एक सेकंड ले, मैं दूसरी स्लाइड खोल लूं। अच्छा भैया, आप लोगों को ये वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी हाँ जी। अच्छा, ये जब मैं पढ़ रहा था ना ये डिजिटल मार्केटिंग लम से, तब ये मैंने किताब लिखी थी छोटी सी, ये आपको नहीं मैं दूंगा, इसके आपने नोट्स बनाने या स्क्रीनशॉट बनाने हैं वो बना लीजिएगा, मगर ये मैं असासा ये नहीं मैं फॉरवर्ड कर सकता। बिलाल भाई आपके लिए भी यही बात है, देखते जाए लिखते जाए जो भी लिखना है, और जो भी सवाल है मेरे से पूछे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको बता दूँ। अभी ये SEO का मैं आपको बस बेसिक बताऊंगा और इंशाल्लाह उसके बाद ये कोर्स हम आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे और फिर आइंदा से हम फिर इसी के ऊपर काम शुरू करेंगे। ठीक है बिलाल भाई? सही हो गया जी। ठीक है, SEO जो है ना उसकी फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अपनी वेबसाइट को इतना खूबसूरत बनाना या इतना बेहतर बनाना कि गूगल उसे कहे भैया ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, इसे पहले नंबर पे रैंक करवा दो। अब उसे अपने खूबसूरत या प्यारा कैसे बनाना है, उसके लिए दो काम करते हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज, जो कि फिजान भाई जिसकी आप बात कर रहे थे। जी जी हाँ जी।
ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में आपने अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाना होता है, और उस बेहतर बनाने के लिए आप मुख्तलिफ काम करते हो, आप मेटा डेटा यूज करते हो, आप स्कीमा यूज करते हो, आप अपनी वेबसाइट की पेज स्पीड बेहतर करते हो, इसके अलावा बहुत सी टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से आप बेहतर होते हो। आपको जो रैंकिंग मिलती है ना गूगल के ऊपर, वो रैंकिंग मिलती है आउट ऑफ 200 फैक्टर्स, 200 छोटे छोटे फैक्टर्स है जिनके ऊपर गूगल आपको रैंक करता है। अगर आपके पास 200 के 200 फैक्टर्स मौजूद हैं तो आपको पहले नंबर पे रैंक करेगा, अगर आपके पास 199 हैं तो दूसरे नंबर पे, जितने कम फैक्टर्स होंगे उतना नीचे रैंक करोगे आप। तो ये सारी चीज़ें जो है मैटर करेंगी आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। ये तो हो गया कि आपने वेबसाइट के ऊपर जो काम किया वो काम आपको दिख रहा है, जो टेंजिबल काम है। दूसरा होता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऐसा काम जो कि आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पर नहीं कर रहे हो मगर अपनी वेबसाइट के लिए कर रहे हो। इसके लिए मिसाल ये होगी कि बिलाल भाई की एक वेबसाइट है जहाँ पे वो फुटबॉल बेचते हैं, और फैजान भाई आप खुद एक फुटबॉल है मिसाल के तौर पे, और आपकी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप फुटबॉल की वीडियोस बनाते हो या फुटबॉल सिखाते हो लोगों को। आपको बिलाल भाई मैसेज करेंगे कि यार आप काइंडली ना मुझे अपनी वेबसाइट से एक लिंक दे दो। लिंक किस शक्ल में होता है, www.bilalfootball.com। अब इस तरह की जो लिंक है ना आपने अपनी वेबसाइट पे लगा दी एक अंडर द कीवर्ड, कीवर्ड हो गया फुटबॉल शूज, तो उसके अंदर आपने एक कीट जो है लिंक जो अच्छा, अगर मसला हो बता दीजिएगा। अच्छा मैं बता रहा था कि आप अपनी रेलिवेंट नीश की वेबसाइट ढूंढोगे, उस नीश से आप बैकलिंक्स लोगे, उस बैकलिंक्स को दिखाना कैसे है, उस पर काम कैसे होगा, ये सारा कुछ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। और बैकलिंक्स कितने किस्म की होती हैं, उन पर कैसे काम किया जाएगा, कैसे लिंक्स हासिल होंगी, उनसे बातचीत कैसे करनी है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अब इंटरनेट कनेक्शन का भी मसला आ रहा है तो आज का लेक्चर आज ही ख़त्म करते हैं। आप लोगों के पास जो भी सवाल हो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उन्हें रीच आउट कर लूँगा। आप लोगों को जो मैंने असाइनमेंट दी हैं वो भी आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ये मैंने असाइनमेंट बना ली है, और फिर ताकि मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई भी कर सकूँ। आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, कोई अगर सवाल है या कोई बात पूछना चाहते हैं पूछ लें। अच्छा भैया दुआ में याद रखीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़।